All right, ji. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum to everyone, and welcome to the final session, final lecture of our data analysis using Python series. So, today's session is going to be on time series forecasting using Python. Dr. Hakim is with us, and without any further delay, let's start with the session. Thank you so much, Azim. So हम जो जैसे अजीम ने इंडिकेट किया कि हम जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज अ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. एक्चुअली ये हमारा कॉन्टिन्यूटी के अंदर लेक्चर आ रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द बिग डेटा एनालिटिक्स के परस्पेक्टिव से. सो हमने अपने फर्स्ट सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस किया था बेसिकली बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हमने इंट्रोडक्शन के परस्पेक्टिव में डिस्कस किया था कि हमारे पास बिग डेटा बेसिकली है क्या, और देन हमने इंडिकेट किया था कि हमारे पास एनालिटिक्स की कौन कौन सी अप्रोचेज अवेलेबल हैं. और जो सेकंड सेशन हमारा था उसके अंदर हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के परस्पेक्टिव से कुछ चीजें डिस्कस की, जिसमें हमने डेटा विजुअलाइजेशन और बेसिक किस्म के एनालिटिक्स टेक्निक्स को डिस्कस किया था. और लास्ट सेशन हमारा जो था दैट वाज सप्लाई चेन एनालिटिक्स दैट इज अंडर द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. सो अगर हम एनालिटिक्स के परस्पेक्टिव से देखें, सो जैसे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है बेसिकली वो हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये ऑब्जर्व करना हो कि राइट नो वट इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, या क्या हो रहा है. सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें सच क्वेश्चन के आंसर चाहिए हो तो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं. देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बेसिकली ज्यादातर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना हो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट हम बेस्ट ऑप्टिमम डिसीजन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, सो किन चीजों को हम अडॉप्ट करें, दैट इज द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. जो लास्ट हमारे पास है दैट इज अ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. इसमें हमारे पास क्या है कि हमने अब फ्यूचर को फोरकास्ट करना है या प्रेडिक्ट करना है, दैट इज बेसिकली all about the predictive analytics के point of view से आ जाता है. और जब हम predictive analytics की बात कर रहे हैं, okay, so आप लोगों को याद होगा last session के अंदर भी हमने इस slide को देखा था. so जिसमें हमारे पास क्या है कि predictive analytics के अंदर हमारे पास time series methods available है, ठीक है, we have other methods as well like linear regression है, logistic regression है, या हमारे पास data mining या machine learning की techniques available है. बट इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट वाज द टाइम सीरीज मॉडल, एंड द मेजरली जो हम फोकस कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे. कि हम बेसिकली कह रहे हैं कि हमने टाइम सीरीज डेटा है हमारे पास, सेल्स का डेटा है या डिमांड का डेटा है जो कि हमारे पास टाइम वाइज है, एनुअली है या मंथली है या वीकली सेल्स का डेटा अवेलेबल है, और हमने उसको इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्शन करनी. सो हमारे पास इवन टाइम सीरीज मेथड के अंदर मल्टीपल जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लाइक मूविंग एवरेज मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो कि हम आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है. वी हैव ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स. सो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स जिनको हम जो है वो अरीमा मॉडल्स भी कहते हैं, दैट इज ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मेथड्स, जो कि प्योरली स्टेटिस्टिकल बेस्ड मेथड्स या मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है. जबकि जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स हैं इनको हम नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स भी कह सकते हैं. नॉन पैरामेट्रिक इस वजह से कहा जा सकता है इन मेथड्स को क्योंकि इनके ऊपर या इनके पैरामीटर्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर अजम्पशंस नहीं होती, ठीक है, आप जस्ट उन वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हो और आप मूव कर रहे होते हो. जबकि जो ऑटो रिग्रेसिव है जैसे मैंने आपको पहले बताया है क्योंकि ये स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं फोरकास्टिंग टाइम सीरीज को फोरकास्टिंग करने के लिए, तो इनकी कुछ प्री अजम्पशंस भी हमारे पास मौजूद होती है. बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो प्रेडिक्शन हमने करनी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ. जैसे हमने पहले कहा कि प्रेडिक्शन मीन कि हमने फ्यूचर इवेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या पॉसिबली हो सकता है, ओके. और जाहिर बात है अगर हम सप्लाई चेन एंगल के परस्पेक्टिव से देखें कि प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप जो है वो ओवर प्रेडिक्ट कर लेते हो तो उसका
नुकसान क्या होगा, हमारे पास एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड है आपके पास 1000 यूनिट्स की, आपने प्रेडिक्ट किया 1500 की डिमांड है, सो दैट मीन हमने 1500 के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कर ली है, तो हमारे पास इन्वेंट्री उसके अकॉर्डिंगली फिर 500 एक्स्ट्रा बचेगी। इसी तरीके से अगर आपने अंडर फोरकास्ट कर दी है तो आपके पास जो है वो लॉस ऑफ सेल की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। सो जो के एक और प्रॉब्लम क्रिएट हमारे पास कर सकता है। सो जारी बात है, ओवर फोरकास्टिंग के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और अंडर फोरकास्टिंग के अपने डिसएडवांटेजेस हमें नजर आ रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनएक्यूरेट फोरकास्ट जो है वो आपका इन सप्लाई चेन टर्म्स बुलविप इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बुलविप इफेक्ट का आइडिया है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर फोरकास्ट नहीं कर रहे होते हो तो या तो आप ओवर जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हो या फिर अंडर जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हो। ओके, सो बाय द वे फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस का आप आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इसके सीरीज ऑफ बेसिकली कॉम्पिटिशंस चल रहे हैं। दिस इज फ्रॉम M1, सो 1982 के अंदर फर्स्ट फोरकास्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ। सो आप जो है वो इस वेबसाइट से जाके चेक भी कर सकते हो कि वो फोरकास्टिंग कॉम्पिटिशन की डिटेल क्या है। सो रिसेंटली जो फोरकास्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ है, दैट इज इन फेबरी टू जून के अंदर होके भी हटा, ठीक है। और ये अभी मैं आपको शो भी करवाता हूँ कि हमारे पास जो जेनेरिकली फोरकास्टिंग की जाती है वो फास्ट मूविंग डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरह की हमारे पास टाइम सीरीज आ रही होती है, उसको हम किस तरीके से डील करते हैं उसको भी मैं आपको शो करता हूँ कि वो किस तरीके से उसके मेथड्स अवेलेबल हैं या हम उसको किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। सो इस स्लाइड के अंदर बेसिकली मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोरकास्टिंग मैथड, या आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि ये एवरी ईयर और एवरी आप कह लें कि 4 or 5 years के बाद इसका कोई ना कोई कॉम्पिटिशन लॉन्च हो रहा होता है। सो ये तो हमारे पास एक स्पेसिफिक है एरिया, लाइक जैसे मैंने प्रीवियस में भी कहा था कि एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से Kaggle.com जो वेबसाइट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिशन आते रहते हैं और फोरकास्टिंग के कॉम्पिटिशन भी वहां पे काफी ज्यादा मौजूद है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग काफी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, सो हमारा क्योंकि मेन टॉपिक है, हमने टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की बात हम कर रहे हैं, तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर हमें ये देखना है कि हम किस तरह की डिमांड को या किस तरह की सेल्स को या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं किस तरह के टाइम सीरीज बेस्ड डाटा को हमने फोरकास्ट करना है या प्रेडिक्ट करना है। इज इट अ फास्ट मूविंग डाटा और इज इट अ इंटरमिटेंट मूविंग डाटा हमारे पास है। फास्ट मूविंग से क्या मुराद है कि आपके पास कभी भी डिमांड जो वो जीरो नहीं होती, वो किसी न किसी स्पेसिफिक ट्रेंड के जरिए जो वो मूव करती रहती है। सो ऑब्वियसली इसके अपने जो है वो एलिमेंट्स हैं, जो कि आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम बेसिकली फास्ट मूविंग डाटा को ही फोरकास्ट कर रहे होते हैं। और ज्यादातर इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर भी जो है वो फास्ट मूविंग डाटा फोरकास्टिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन आजकल जो है स्पेशली रिटेल के अंदर जो है वो इंटरमिटेंट डिमांड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी कभी डिमांड आ रही है और कभी उसकी डिमांड एग्जैक्टली जीरो हो जाए। ओके, सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे अगर डिमांड जीरो हो रही है, सडनली हमारे पास एक डिमांड आ रही है, फिर जीरो हो रही है और फिर सडनली आती है और फिर पीक पकड़ती है और फिर जीरो होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसी डिमांड को जहाँ पे हाई इरेगुलरिटीज हो, तो हम उसको प्रेडिक्शन करने के लिए जो जनरली मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर फास्ट मूविंग डाटा, जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स हैं या रीमा मेथड्स हैं, वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो इनके अपने कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो फिलहाल तो हम इस लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस नहीं करें, बट यू कैन सर्च फ्रॉम द गूगल कि इंटरमीडिएट डिमांड फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। एंड थर्ड टाइप ऑफ टाइम सीरीज जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कर रही होती है, दैट इज बेसिकली हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग।
सो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दैट इज अ कोहेरेंट फोरकास्ट. सो कोहेरेंट से क्या मुराद है, सबसे पहले हम ये जो एग्जांपल है इसको देख लेते हैं कि हेरारिकल टाइम सीरीज से मुराद हमारे पास क्या ली जा रही है. कि जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये एवरी प्रोडक्ट, आप कह लें कि एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोडक्ट की हमने टाइम सीरीज डेटा कलेक्ट की है कि उसके अंदर सेल्स कितनी, और फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अलावा ओवरऑल आपके पास इस रिटेलर की सेल कितनी है, एंड देन टोटल हमारे पास सेल कितनी आ रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. सो इसमें हायरार्की का जो एवरी लेवल है और जो हायरार्की के रिलेशनशिप है एवरी लेवल का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. आप उसके उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है वो कौन से फोरकास्टिंग मेथड्स अवेलेबल है. आजकल इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हो रही है और कुछ रिसर्च ऑलरेडी हो भी चुकी है. कुछ इसके ऊपर लोगों ने स्टेटिस्टिकल मेथड्स भी अडॉप्ट किए, बट आजकल रिसेंटली इसके ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लोग यूज कर रहे हैं टू फोरकास्ट दिस वन. सो इसमें चैलेंज बेसिकली ये होता है कि आपने इंडिविजुअल लेवल डिमांड को तो फोरकास्ट करना ही करना है, बट साथ में इसके अपर लेवल्स की डिमांड भी एट द सेम टाइम हमने आइडेंटिफाई करनी होती है. बट मेन आइडिया ये है कि आपके पास इनका रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ओके, बहरहाल फिलहाल इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं फास्ट मूविंग डेटा को हमने किस तरीके से जो है वो प्रेडिक्ट करना है. सो फास्ट मूविंग डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो की एलिमेंट आ जाते हैं दैट इज बेसिकली ट्रेंड, सीजनैलिटी एंड रैंडम वेरिएशन. ओके, सो लेवल का मतलब क्या है कि बेसिकली एक एवरेज वैल्यू के ऊपर आपके पास जो है वो डेटा इसी के सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं. सो मे बी पॉसिबल इसको प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डेटा जिगजैग यहीं पे मूव कर रहा है. ठीक है, बट जब हमारे पास हमें ये देखना है कि क्या हमारे डाटा के अंदर कोई ट्रेंड तो लाई नहीं कर रहा, मीन वो कुड बी अ इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, कुड बी अ डिक्रीजिंग ट्रेंड आपके पास आ रहा है. सो हमने उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्वियसली उस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है. और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अंदर जब हम ट्रेंड की आइडेंटिफाई की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं कि आइदर ये ट्रेंड लीनियर है, आइदर ये ट्रेंड एक्सपोनेंशियल है, आइदर ये ट्रेंड डैम्प है. ठीक है, सो डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स पॉसिबल हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हम जो है वो मेथड की सिलेक्शन कर रहे होते हैं. ओके, जो थर्ड कंपोनेंट है विच इज अ सीजनैलिटी के परस्पेक्टिव से आ जाता है हमारे पास कि आइदर इट्स अ सीजनल, अगर पैटर्न है तो क्या ये मंथली सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्वार्टरली सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है, या आपके पास ये वीकली सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है जी, सो साइकिल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जनरली साइकिल को लिया जा रहा होता है दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सीजनल प्लस ट्रेंड के परस्पेक्टिव से. सो जो मेजर कंपोनेंट आपके पास फास्ट मूविंग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर आ जाते हैं दैट इज बेसिकली ट्रेंड एंड सीजनैलिटी का एंगल होता है, और प्लस ऑब्वियसली कि आपके पास कोई एरर वेरिएशंस अगर आ रही है, मीन आपका मॉडल जो है जिस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा उसके अंदर कितना फोरकास्टिंग के अंदर एरर आ रहा है. ओके, सो अब जब हम बात करते हैं ट्रेंड और सीजनैलिटी की, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है कि ये जो ट्रेंड अगर हमारे पास और सीजनैलिटी अगर हमारे पास आ रही है और प्लस एरर जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये इनका आपस में रिलेशनशिप एडिटिव है. एडिटिव से क्या मुराद है, मीन कि सेम तरह का ट्रेंड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें नजर आ रहा है. ठीक है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो चेंजेस नहीं आ रही. सो एज यू कैन सी दैट के हमें एक सेम तरह का जो है वो ट्रेंड नजर आ रहा है. सो जितना हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड या सेल हो रही है उतनी इस टाइम पीरियड के दौरान हो रही है, उतनी इस टाइम पीरियड के दौरान हो रही है. सो दैट मीन दैट्स व्हाई वी आर कॉल एज एडिटिव. ठीक है जी, जबकि मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है आपके पास उसके अंदर जो है वो वेरिएशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है. एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपके पास ऑल द ट्रेंड तो पॉजिटिव है,
बट साथ साथ जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है ये मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, मीन इंक्रीज होता चला जा रहा है. सो अब हमें ये भी देखना है कि क्या आपके पास जो ट्रेंड और सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो एडिटिव सेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या वो मल्टीप्लिकेटिव सेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है जी. सो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए हम मॉडल की सिलेक्शन कर रहे होते हैं. ओके, अब बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन हमारे पास जो मेजर फोकस हम कर रहे हैं वो हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का जिक्र कर रहे हैं. अगर आप जो है वो इस डायग्राम को देखें तो हमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं. लाइक वी हैव द लेवल, ठीक है, हमारे पास क्या है कि कोई सीजनैलिटी नहीं है, एडिटिव सीजनैलिटी या मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी. सो दैट मीन डेटा हमारा इस तरीके का है, ठीक है, या इस तरीके का है या इस तरीके का है. सो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द टाइम सीरीज हम जो है वो अपना एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को सिलेक्ट कर रहे होंगे. सिमिलरली अगर लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है, ओके दिस इज लीनियर ट्रेंड, ओके, और उसके अंदर फिर कोई सीजनैलिटी है या नहीं है, ओके, इज इट द एडिटिव सीजनैलिटी या मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी है. लीनियर ट्रेंड नहीं है तो क्या एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है, ठीक है, और अगेन एडिटिव सीजनैलिटी है या मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी है. एक्सपोनेंशियल नहीं है तो डैम ट्रेंड है, ओके दिस इज अ डैम ट्रेंड, और अगेन इज इट एडिटिव सीजनैलिटी और मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी. सो बेस्ड ऑन दैट हमने ये 15 मॉडल्स डेवलप कर लिए. ठीक है जी. सो आप लोगों ने, जिन लोगों ने फोरकास्टिंग का बेसिक आइडिया पढ़ा है या सप्लाई चेन का कोर्स पढ़ा हुआ है, सो दे मस्ट नो दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मल मॉडल कह रहा है दैट इज अ सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. सो इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम उसको कह रहे हैं एन. दैट मींस सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथ मेथड जो है वो उस वक्त ज्यादा एप्लीकेबल है या ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है जब हमारे पास कोई ट्रेंड ना हो, कोई सीजनैलिटी का कंपोनेंट ना हो. मीन दैट इज दिस पर्सपेक्टिव, राइट. बट आपके पास होल्ड्स लीनियर मेथड दैट इज बेसिकली ए एन. ये हम कब अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आपके पास ट्रेंड जो है वो आपके पास लीनियर हो, ठीक है, दैट इज बेसिकली दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो आपके पास लीनियर ट्रेंड हो और आपके पास कोई सीजनैलिटी कंपोनेंट हो. सिमिलरली वी हैव एडिटिव होल्ड्स विंटर मेथड, कि अगर आपके पास सीजनैलिटी भी एडिटिव हो, राइट, और आपके पास ट्रेंड भी एडिटिव हो, दैट इज लीनियर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सपेक्टिव. बट अगर आपके पास सीजनैलिटी मल्टीप्लिकेटिव हो, सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, कि मल्टीप्लिकेटिव होल्ड्स विंटर मेथड हम अप्लाई करेंगे. और अगर आपके पास ट्रेंड जो है वो एक्सपोनेंशियल होगा, सो पाइथन के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि इंस्टेड ऑफ हम लीनियर जो है वो होल्ड लीनियर मेथड अप्लाई करें, हम होल्ड्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड अप्लाई करें. इसी तरीके से पाइथन के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर ट्रेंड लीनियर नहीं है और वो डैम्प है तो हम डैम्प ट्रेंड भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड विद डी, ए डी एन, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम अपने टाइम सीरीज के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए जो है वो अप्रोप्रिएट मॉडल जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं. और उसको सिलेक्ट करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज भी हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं कि शुड आई गो फॉर सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड और शुड आई गो फॉर होल्ड्स लीनियर मेथड और शुड आई गो फॉर एडिटिव होल्ड्स मेथड. सो उसके क्राइटेरियाज भी हमारे पास हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट मेरे इस डेटा के ऊपर आ रहा है या इस टाइम सीरीज के ऊपर आ रहा है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. ओके, सो उस क्राइटेरियाज को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस क्विकली कि ये जो हमने 15 मॉडल्स शो किए हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट, ओके, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है दैट इज दिस वन. सो राइट नाउ दिस इज द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉर्मूला. सो जिसमें आपके पास के दिस इज इंडिकेटिंग एल टी इज बेसिकली फ्यूचर टाइम की प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे वाई टी एक्चुअल डेटा को इंडिकेट कर रहा है और एल टी माइनस वन प्रीवियस टाइम के डेटा को इंडिकेट कर रहा है, जबकि एल एल जो एल्फा है दैट इज बेसिकली द वेटेड वैल्यू. ठीक है, सो आपके पास इसका नाम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अल्फा जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली आपके पास डिक्रीज हो रहा होता है क्योंकि आप बेसिकली अपने डेटा को वेट असाइन कर रहे होते हो,
सो जैसे जैसे आप आगे मूव करते चले जाते हो, आपके जो प्रीवियस टाइम को आप जो वेट असाइन कर रहे हो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होता है. सो वो मैं आपको शो भी करता हूँ वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा होता है. फिलहाल जैसे हमने पहले डिस्कस किया एन एन, दैट मीन दिस इज द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. और जहां पे होल्स लीनियर मेथड होगा तो उसमें हमें लेवल को और ट्रेंड को कैलकुलेट करना पड़ेगा. और यहाँ पे अल्फा जो है वो बेसिकली लेवल के वेट को कैलकुलेट कर रहा है और बीटा जो है वो ट्रेंड के कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहा है. और अगर आपके पास एडिटिव आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे मीन के सीजनैलिटी एडिटिव है. तो लेवल ट्रेंड प्लस सीजनैलिटी को आप एडिटिवली कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, और एट द एंड आप लेवल ट्रेंड प्लस एडिटिव सीजनैलिटी को इंडिकेट करो टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. सो मैं इसके मैथ्स में ज्यादा फर्दर नहीं जाता हूँ. सो आई एम गोइंग बैक टू दिस वन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. और इसको हम जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो अल्फा हम ले रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द वेटेड एवरेज, राइट? सो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स आर द वेटेड एवरेज मेथड. बट वो जो वेट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे होते हैं. वो किस तरीके से? अगर हम देखें हमारे पास, जैसे हमने कहा कि एल टी बेसिकली करंट टाइम पीरियड की फोरकास्ट को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज इंडिकेटिंग द करंट पीरियड डिमांड, दिस इज इंडिकेटिंग द आपके पास जो आपके पास लास्ट टाइम पीरियड की फोरकास्ट वैल्यू. So, हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इसको वेट असाइन कर रहे हैं अल्फा इनटू वन माइनस अल्फा करते हुए. अब मैंने क्या किया, अगर एल टी का ये वाला फॉर्मूला है तो एल टी माइनस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज दिस वन, विच मीन ए वाई टी, दैट इज द प्रीवियस डेटा ऑफ फ्रॉम द वाई टी माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा टी माइनस टू. ठीक है, और अगर हम इसको ओपन करें सो दैट इज लुक लाइक दिस वन. सिमिलरली अगर मैं अप टू जीरो तक मूव करता रहूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की सीरीज बन जाती है विच इज लुक लाइक अ ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, सो अगर आप इसको सम करना चाहें, बहरहाल जो यहाँ पे इसको दिखाने का मकसद बेसिकली ये है, एज यू कैन सी दैट के जैसे जैसे हम प्रीवियस टाइम पीरियड में आ रहे हैं फ्रॉम टी टू टी माइनस वन, फ्रॉम टी माइनस वन टू टी माइनस टू, आपका जो वेट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता चला जाएगा. ओके, जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू है जिसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं उसको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड सबसे कम वेट असाइन कर रहा होता है. एंड ऑब्वियसली अल्फा की जो वैल्यू है वो लाइक इसमें कर रही होगी, वो जीरो और वन के दरमियान में लाइक कर रही होगी. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने ये जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या रखनी. सो वो आप जीरो से वन के दरमियान खुद से भी रख सकते हो, अदरवाइज क्योंकि हम पाइथन को इस्तेमाल करेंगे तो पाइथन हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वो बेस्ट अल्फा मीन ऑप्टिमम अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके भी आपको देगा. सो वो कैसे हम कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज अवेलेबल है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द डिफरेंट फोरकास्टिंग मैथड्स. जैसे अभी हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के 15 मैथड्स अभी मैंने आपको शो करवाए, ठीक है, जिसमें सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, जिसमें लीनियर ट्रेंड के साथ है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के साथ है, डैम ट्रेंड के साथ है. सो हाउ वी कैन सेलेक्ट के मेरी जो पर्टिकुलर टाइम सीरीज है उसमें मुझे कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए. सो वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज आइदर आप क्या कर सकते हो, मेजर ऑफ एक्यूरेसीज यूज कर सकते हो, मीन रूट मीन स्क्वायर एरर को इस्तेमाल कर लें या मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को इस्तेमाल कर लें. मैं उनको यूज करने की बजाय क्या कह रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया. इवन पाइथन के अंदर भी जो है वो हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप किसी भी फोरकास्टिंग मेथड के अकॉर्डिंगली इन क्राइटेरियाज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें. ओके, सो अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, सो आई एम नॉट गोइंग के बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, सिंपल हम इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ जाते हैं. सो बेसिकली अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया की वैल्यू जितनी कम होगी वो मॉडल आपका उतना अच्छा प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा होगा. सो दैट इज इंडिकेटिंग कि ये बेसिकली आपके एरर की वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा होता है. और इसी का आपके पास है कि अगर आपके पास सैंपल साइज मीन डेटा सेट छोटा है तो इंस्टेड ऑफ सिंपल अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया इस्तेमाल करने के वी कैन यूज अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया करेक्टेड वर्जन. ठीक है, या आप यूज कर सकते हो बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. सो दीज थ्री क्राइटेरियाज कैन बी यूज इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द मॉडल.
एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर मॉडल का जब हम काई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया या काई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया कोरेक्टेड या बेजियन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया कैलकुलेट करते हैं, सो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कुछ इंडिकेट नहीं कर रही होती, वो हमें ये नहीं बता रही होती क्योंकि अगर इतनी वैल्यू आ जाए तो आपका ये मेथड जो है वो बहुत अच्छा है। सो बेसिकली ये एग्जैक्टली वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन वेरिएंस के आंसर की तरह रिएक्ट कर रहा होता है, हमें कंपैरेटिव या कंपैरिजन के चक्रों के अंदर जो है वो इनको यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक मैंने मॉडल अप्लाई किया जिसमें मैंने अपना वेट रखा था 0.2 और एक मैंने मॉडल अप्लाई किया जिसमें मैंने अपना अल्फा की वैल्यू रखी है 0.5। सो अब हम ये देख सकते हैं कि ओके जब मैंने अल्फा की वैल्यू 0.2 रखी तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के अकॉर्डिंगली का इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया का आंसर क्या है, और अगर मेरे पास मैंने अल्फा की वैल्यू 0.5 रखी है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास का इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया की वैल्यू क्या आ रही है। सो जिसकी कम होगी वो मेथड ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन कर रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को सो ये बेसिक जो है वो क्लियर हो गए। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सो वो पूछ सकता है। अब हम जो है वो मूव करें टूवर्ड्स द पाइथन के हमने इन स्पेशली एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल्स को अप्लाई कैसे करने है एंड एज वेल एज आई विल डिस्कस के हमने मूविंग एवरेज मैथड्स को कैसे डिस्कस करने। ओके सो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सो वो पूछ सकता है और should I continue? जी अजीम, so if anyone has a question आप चैट रूम में भी लिख सकते हैं और I would even allow कि अगर कोई माइक पे आके क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड, I'll unmute you and then you can ask the question. So let's just wait for one or two minutes. Let me also check on the Facebook if we have any question from there. Okay. All right. So far no question. So I think we should. Okay. So अब basically हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम ये exponential smoothing models को जो है वो using Python implement करने के लिए जा रहे हैं। So सबसे पहले तो मैं क्या कह रहा हूँ, as you know that कि हमने अपनी previous lectures के अंदर pandas libraries को भी discuss किया हुआ है और हमने matplotlib library को भी discuss किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे graph plots draw कर रहे होंगे और साथ ही साथ pandas library को मैं इसलिए call कर रहा हूँ क्योंकि हम जो है वो list या data series वगैरह जो है वो create कर रहे होंगे जिसकी वजह से हमें ये pandas library required होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पांडास लाइब्रेरी को एस पी डी, ओके हमने पढ़ा था ये एलाइज कहलाए जाते हैं, सो एस पी डी करके मैं पांडा लाइब्रेरी को कॉल कर रहा हूँ, मैटले प्लॉट को कह रहा हूँ एंड दिस इज अ मैजिक लाइन ताकि हमारे पास जो प्लॉट्स ड्रॉ हो वो विद इन द लाइन आपके पास ड्रॉ हो। ओके सो आफ्टर रनिंग दिस कमांड अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पांडास लाइब्रेरी में से जो है वो यूज कर रहा हूँ दैट इज कि हम पाइथन की बेसिकली जो लिस्ट फंक्शन है उसको मैं यूज कर रहा हूँ लिस्ट डेटा टाइप को इन ऑर्डर टू डिफाइन द डेटा। मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है दैट राइट नो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो है ऑयल प्रोडक्शन इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम ईयर 1996 टू 2007। सो 96 के अंदर ऑयल प्रोडक्शन कितनी हुई है इन टन्स, ओके 97 के अंदर, 98 के अंदर एंड सो ऑन। सो हमने सबसे पहले इस डेटा को डिफाइन कर लिया एज अ लिस्ट, राइट। सो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज यूजिंग द ब्रैकेट्स, हम जो है वो उस डेटा के अंदर हमने इस पूरे के पूरे डेटा सेट को जो है वो स्टोर कर लिया और इफ आई रन दिस डेटा कमांड आई कैन सी दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब मुझे करना ये है कि मुझे अपने इस डेटा को टाइम सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। सो टाइम सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 96 और मेरा एंडिंग पॉइंट है 2011 और जो फ्रीक्वेंसी है मीन हमने जो डेटा लिया हुआ है वो एनुअली लिया हुआ है, नॉट अ डेली बेसिस, नॉट अ वीकली बेसिस, नॉट अ क्वार्टरली बेसिस, हम एनुअली बेसिस पे चल रहे हैं। सो सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पांडास की जो एक फंक्शन अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज पी डी डॉट डेट रेंज। सो ये फंक्शन है जो कि आप किसी भी डेटा सेट को टाइम सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो पीडी से हम पांडास लाइब्रेरी को कॉल करें, डॉट से हम उसके फंक्शन को कॉल करें
एंड देन वी आर इंडिकेटिंग कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है. सो ए स्टैंड्स फॉर एन1, राइट. सो मैंने उसको एक वेरिएबल नाम दे दिया इंडेक्स. सो उसके अंदर जो है उस टाइम सीरीज को जो है वो सेव हमने कर दिया. ओके, उसके बाद हमें जब इंडेक्स को जो है वो कॉल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, सो आई कैन सी दैट कि मेरे पास जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1996, ठीक है, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके लास्ट मंथ. ओके, सो बिल्कुल, सो दैट इज 31 दिसंबर 1996 से लेके एट द एंड तक हमारे पास जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है. ओके, दोबारा से सुन लीजिएगा ये फंक्शन को जो है वो कह रहे हैं कि रिपीट कर दें. सो ये हम क्या कह रहे हैं कि हम पांडास लाइब्रेरी में से फंक्शन कॉल कर रहे हैं डेट अंडरस्कोर रेंज. ओके, सो दिस डेट अंडरस्कोर रेंज हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम एक टाइम सीरीज डाटा जो है वो जनरेट कर सके. और जो डेटा सेट हमारे पास ये अवेलेबल है, ये हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम 1996 to 2007. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 96 से, एंड क्या हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि ये एनुअल डेटा है. ओके, सो मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली अपने एक्चुअल डेटा सेट की, मैंने एक लिस्ट फंक्शन कॉल कर लिया टू क्रिएट अ टाइम सीरीज, एनुअल टाइम सीरीज. अब मुझे क्या करना है, सो यहाँ पे मैं जैसे इसकी टाइप आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. एज यू नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप आइडेंटिफाई करनी है, सो वी कैन कॉल द फंक्शन टाइप. ओके, अब मुझे बेसिकली करना ये है कि इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेट ऑफ टाइम सीरीज डेटा, मुझे इस डेटा वाले वेरिएबल को और इस टाइम सीरीज वाले वेरिएबल को कंबाइन करना है, ताकि मैं एक प्रॉपर टाइम सीरीज डेटा जनरेट कर सकूं. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पांडास में से एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सीरीज का, दैट इज pd.series, और जिसके अंदर आपने डेटा एक्चुअल डेटा स्टोर करवाया हुआ था, दैट वाज इन अ डेटा वेरिएबल, और इंडेक्स वेरिएबल के अंदर हमने अपने टाइम सीरीज जो है वो स्टोर करवाई हुई थी, कॉमा आपने वो टाइम सीरीज एंटर कर दी. ठीक है जी, सो जैसे आप pd.series कर रहे हो, तो उसके बाद हम इसको क्या करें, एक वेरिएबल में करें. सो अब ये ऑयल डेटा जो है वो मेरा एक टाइम सीरीज डेटा है. ओके, और अब अगर आप यहाँ पे इसकी टाइप भी देख रहे हो, तो वो हमें क्या बता रहा है, सीरीज. सो दैट मीन दिस इज अ टाइम सीरीज टाइप ऑफ डेटा हमारे पास आ रहा है. और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि 96 के अंदर जब हम ऑयल डेटा लिख रहे हैं, आपके पास कितनी प्रोडक्शन हुई, 97 के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई, एंड सो ऑन, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द नॉर्मल डेटा इन टू अ टाइम सीरीज डेटा, कि हम पाइथन में पांडास लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से जो है वो एक नॉर्मल डेटा सेट को टाइम सीरीज डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहला काम मैंने ये किया, मैं इस टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस तरह का कोई ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या कोई सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. सो अब उसको हम जो है वो प्लॉट करके या ग्राफिकली जो है वो इलस्ट्रेट करके देखना चाह रहे हैं. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं अब मैटलिब प्लॉट को इस्तेमाल कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस. सो ऑयल डेटा के अंदर हमारे पास जो है वो टाइम सीरीज अवेलेबल है. सो डॉट प्लॉट मीन हम कह रहे हैं कि हमने इस डेटा का जो है वो प्लॉट बनाना है, और इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया. ठीक है, क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस प्लॉट के ऊपर लेबलिंग भी करनी है. सो इस वजह से मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही में मैं इस प्लॉट के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर लेबल दे रहा हूँ ईयर का, वाई एक्सिस के ऊपर लेबल दे रहा हूँ ऑयल मिलियंस ऑफ टन इन प्रोडक्शन के परस्पेक्टिव से. साथ में मैं क्या कह रहा हूँ, PLT.show मीन मुझे वो ग्राफ को शो कर दे. ठीक है जी, और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि ये हमें इंडिकेट बेसिकली कर दे कि ये प्लॉट रिप्रेजेंट क्या हो रहा है. सो बेसिकली इस स्टेटमेंट को मैं एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूँ. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑयल डेटा का ग्राफ बन जाएगा, और ये हम एक्स एक्सिस को लेबल दे रहे हैं, वाई एक्सिस को लेबल दे रहे हैं. सो दिस कमांड इज इंडिकेटिंग शो मी द प्लॉट. ओके, एंड देन वी आर सेइंग दैट कि अंडर द प्लॉट राइट डाउन दिस लाइन. सो वंस वी रन दिस, Now we can see the plot of our dataset. So, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि initially अगर हम देखें
तो आपके पास जो है वो हमें कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे देखें स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके हमें जो है वो ट्रेंड नजर आ रहा है। सो इसका एक तरीकेकार ये है कि अब हमने ये देखना है कि इस तरह की टाइम सीरीज के ऊपर हमारे पास कौन सा मेथड सबसे बेस्ट आएगा। इज इट कि हम सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल अप्लाई करें इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट दिस वन, या हम जो है वो लीनियर मेथड अप्लाई करें, या हम सीजनल मेथड अप्लाई करें। सो उसको अप्लाई करने से पहले मैं क्या कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम इस टाइम सीरीज को स्मूथ करके देखें। मीना मैं बिल्कुल जो एक सिंपल एवरेज मेथड्स है वो अप्लाई करके देखने लगा हूँ बिफोर गोइंग टू अप्लाई द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ जी मूविंग एवरेज मेथड। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 फातिमा हैड अ कन्फ्यूजन, एक पीछे एक फंक्शन एक गुजरा है, उसमें एक कन्फ्यूजन थी। जी फातिमा जी आप अनम्यूट करके पूछ सकती हो अब। सर, वो पीछे एक फॉर्मूला गुजरा था, उसमें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ था, तो वो मुझे जी समझ जी नहीं आ जी रही थी। ओके ओके मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। सो हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन है, दैट इज पीडी से हम पांडास लाइब्रेरी को कॉल करें डॉट, इस पांडास लाइब्रेरी का हमारे पास फंक्शन है डेट अंडरस्कोर रेंज। देन वी आर इंडिकेटिंग के बेसिकली आपके पास ये टाइम सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, दैट इज 1996। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है ये 96 से स्टार्ट हो रहा है और 2007 तक। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट्स है 96, एंड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2008। सो रिमेम्बर दैट जब आप 2008 लिखोगे इट विल मूव अप टू 2007, ठीक है। सो एक फ्रीक्वेंसी पहले तक जाएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ए का मतलब है कि इंक्रीज जो आ रहा है वो एनुअली इंक्रीज आ रहा है। दैट मीन स्टार्ट पहली वैल्यू होगी 96 की, सेकंड वैल्यू होगी 97 की, थर्ड वैल्यू है 98 की, एंड सो ऑन। सर, और ये जो वैल्यूज है ये किस चीज की वैल्यूज है जो डेटा सेट में वैल्यूज दी हुई हैं? ये वाली वैल्यूज जी सर। जी, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑयल प्रोडक्शन की इन सऊदी अरेबिया इन एवरी ईयर। सर ये इसका कोई यूनिट भी है? ओके जी बिल्कुल, टन्स के अंदर है ये, टन्स के अंदर ऑयल प्रोडक्शन का डेटा, सर, थैंक यू। ठीक है। सी क्वेश्चन। ओके ओके जी, सो हमारे पास ये मिलियंस ऑफ टन्स के अंदर ये बेसिकली प्रोडक्शन का डेटा है कि कितने मिलियन टन उस साल के अंदर जो है वो प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन हुई है। सो उसको हमने बेसिकली ये ग्राफ को जो है वो ड्रॉ किया। ओके सो अब हम कर क्या रहे हैं कि जो फर्स्ट चीज मैं कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली मैं मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। सो अभी हम एक्सपोनेंशियल की तरफ जाते हैं। सो पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एंड राइट नाउ ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज अ 2 ईयर मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई कर। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई द 2 ईयर मूविंग एवरेज मेथड फॉर फोरकास्टिंग, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो सबसे पहले तो ऑयल डेटा, जिसके अंदर हमारे पास ये टाइम सीरीज डेटा सेव है, सो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ डॉट, रोलिंग इज द फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर अब हमें बताना है कि रोल क्या करना है, मीन जब हम लिखते हैं रोलिंग विंडोज इज इक्वल टू 2, दैट मीन टू जो कंजेक्टिव 2 2 ईयर्स होंगे, ओके, आपने उनकी एवरेज कैलकुलेट करते रहना है। सो बेसिकली ये करेगा क्या फंक्शन, पहले इन 2 साल की जो है वो वैल्यू को लेगा। ओके जी, लेट मी शो यू कि आपके पास जो है वो बेसिकली वो पहले इन 2 ईयर्स की वैल्यू को लेगा और उसकी एवरेज हमें शो कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स की वैल्यू लेगा और उसकी एवरेज, अगेन नेक्स्ट 2 ईयर। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रोलिंग विंडो 2, और उसका हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट इज द एवरेज। सो आप चाहे मीन कैलकुलेट कर लो, चाहे आप मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू के आप एवरेज के लिए क्या करना चाहो। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द मूविंग एवरेज मेथड इन पाइथन, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँ, मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ। सो सेम आपके पास कमांड जो ऊपर हमने यूज की है, अब इसको मैं बेसिकली प्लॉट करने के लिए क्या करूँ, दैट इज PLT, आई एम कॉलिंग द लाइब्रेरी मैटलिब प्लॉट डॉट प्लॉट करके हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू क्लियरली अंडरस्टैंड, मैंने अब क्या कर दिया, मैं कंपेयर कर रहा हूँ
ये दो प्लॉट्स बेसिकली क्या करें, सॉरी दीज टू लाइंस, सबसे पहले तो हम ऊपर वाली लाइन से फिगर साइज डिटरमिन कर रहे हैं. ओके, सो मैंने एक लार्ज फिगर साइज डिटरमिन कर लिया और ग्रिड इज इक्वल टू मीन कि हम उसकी ग्रिडिंग कर रहे हैं ताकि ऊपर जो है वो उसके आउटलुक नजर आ जाए. उसके बाद मैं एक्चुअल डेटा सेट को प्लॉट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं जो है वो टू मंथ टू ईयर बेसिकली है, नॉट मंथ, दिस इज टू ईयर्स. ओके, सो दिस इज नॉट अ मंथ, दिस इज एक्चुअली ईयर्स. Years, okay. So this is 2 years moving average as well as 3 years moving average. हमारे पास जो है वो method आ रहे. So मेरे पास जो एक line है वो actual data set को indicate कर रही है, second line 2 year moving average data को set कर रही है, and then 3 year. और साथ में ये वाली line हम क्या कर रहे हैं ताकि हमें वो बता सके कि different colors के जरिए हमें वो indicate करे कि data की line कौन सी है. Okay, 2 year moving average की लाइन कौन सी और 3 ईयर की कौन सी. सो वो हमें इंडिकेट करे, जो ब्लू डॉट्स है वो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है, ठीक है. ऑरेंज 2 ईयर्स के परस्पेक्टिव से है, राइट. जबकि आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास 3 ईयर के परस्पेक्टिव से आपके पास आ रहा है. सो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली वो ट्रेंड शो कर रहा है. सो यहाँ से हम क्या आइडिया ले सकते हैं कि जौन सा आपके पास जो ग्राफ है वो आपके एक्चुअल डेटा सेट के अकॉर्डिंग है. लाइक जैसे राइट नाउ वी कैन सी दैट कि आपके पास जो 2 ईयर मूविंग एवरेज है वो कंपैरेटिवली बेटर फोरकास्ट कर रहा है एज कंपेयर टू 3 ईयर, क्योंकि उसका और एक्चुअल डेटा सेट का हमें गैप कम से कम नजर आ रहा है. ओके, सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट मेजर ऑफ एक्यूरेसी, बट राइट नाउ मैं उसकी तरफ फिलहाल नहीं जा रहा हूँ. बट फिलहाल जैसे हम विजुअली जो है वो देख सकते हैं कि आउट ऑफ दीज टू फोरकास्ट मेथड्स, शुड वी यूज 2 ईयर और शुड वी यूज 3 ईयर. सो 2 ईयर जो है वो हमें बेटर प्रोवाइड कर. ओके, आप जो है ये वाली बेसिकली कमांड जो है plt.legend इज इक्वल टू log mean location इज इक्वल टू. सो अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करके भी देखें, लाइक फॉर वन, सो ये बेसिकली यहाँ पर राइट नो वो मुझे आप कह लें कि टॉप लेफ्ट साइड पे मुझे नजर आ रहा है. अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करेंगे तो ये मुझे प्लॉट में बेसिकली वो लेजेंड टॉप राइट कर दे. सो यू कैन यूज डिफरेंट नंबर्स इन ऑर्डर टू चेक, इवन 3, 4, 5 भी करके देखिएगा. सो ये बेसिकली लेजेंड को कभी बिल्कुल बॉटम में ले जाएगा, टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट पे. सो जहाँ पे भी आप लेजेंड को रखना चाहें सो वो आप रख सकते हैं, ठीक है जी. ओके, सो नाउ वी आर बैक टू जो हम एक्चुअल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड की बात करें. सो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को अप्लाई करने के लिए जो मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली स्टैट्स मॉडल्स की लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ. और यहाँ पे ये जो डॉट TSA है, सो बेसिकली जो मैं कॉल कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ आई एम कॉलिंग द होल लाइब्रेरी ऑफ द स्टैट मॉडल, मैं स्टैट मॉडल के अंदर जो एक फर्दर लाइब्रेरी है TSA, दैट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस की लाइब्रेरी की आपके पास कह लें कि एक मॉड्यूल है, उसको मैं बेसिकली कॉल कर रहा हूँ कि फ्रॉम स्टैट्स मॉडल टाइम सीरीज डॉट API में से कॉल करो किस किस को, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को, ठीक है, इन इन फंक्शंस को बेसिकली मुझे कॉल करने, ठीक है. सो क्योंकि इन तीनों को कॉल करने की बेसिस के ऊपर हम वो तमाम के तमाम मैथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको PPT में शो करवाए. सो यू कैन अप्लाई द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड यूजिंग दीज 3 फंक्शंस. ओके, आप जो है वो लीनियर होल्ड्स लीनियर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप होल्ड्स विंटर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी अप्लाई कर सकते हो. सो यूजिंग दीज 3 कमांड्स जो है फ्रॉम द स्टैट मॉडल, हम जो है वो तमाम के तमाम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. मैं वो ऑयल डाटा जो अभी हमने डिस्कस की है उसके ऊपर जो है वो मैं सबसे पहले सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ. सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड क्या था, दैट वाज अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं, दैट वाज अगर हम कहें कि YT जो है वो हमारा फोरकास्ट है, दैट वाज अल्फा DT, दैट इज यू कैन से डिमांड इन इन दिस पीरियड प्लस 1 माइनस अल्फा. ओके, वो क्या था, YT माइनस 1. ओके, सो Y बेसिकली हमारी फोरकास्ट को इंडिकेट करें.
सो राइट नाउ ये जो अल्फा है वो हम खुद से दे रहे हैं, जिसको पाइथन के अंदर हम स्मूथिंग लेवल कहते हैं। सो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर उसको वो स्मूथिंग लेवल का नाम दे रहे हैं। सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मीन इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ दैट इज सिंपल एक्सपो स्मूथिंग। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास सिंपल का एस कैपिटल हो, ई कैपिटल हो और एस कैपिटल हो। देन वी आर राइटिंग डाउन इन ब्रैकेट्स द नेम ऑफ द डेटा विच इज ऑयल डेटा, क्योंकि इसके अंदर हमने अपने ऑयल डेटा का टाइम सीरीज डेटा जो है वो सेव किया हुआ। अब हम कह रहे हैं कि इस डेटा के ऊपर जो है इस सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को मुझे फिट करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन डॉट फिट। ठीक है जी, और इस सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल की जो पैरामीटर्स है विच इज वन ऑफ द पैरामीटर इज एल्फा। सो मैं उस एल्फा को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन के अंदर जो है यानी कि स्टैट्स मॉडल के अंदर उसको हम स्मूथिंग अंडरस्कोर लेवल का नाम देते हैं, वो हम डिसाइड कर रहे हैं खुद से कि जी उसको 0.2 दो। ठीक है, और मैं कॉमा डाल के लिख रहा हूँ ऑप्टिमाइज इज इक्वल टू फॉल्स, मीन कि वो खुद से जो है वो कैलकुलेट ना करे कि ऑप्टिमम अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बल्कि वो 0.2 को यूज करते हुए मुझे फोरकास्टिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, सो मैं अगर इसको रन करता हूँ, जैसे हमने इसको रन किया उसने सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को अप्लाई कर दिया। अब मुझे वो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अकॉर्डिंगली फोरकास्टेड वैल्यू देखनी है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये जो मॉडल फिट होके वो सेव हुआ हुआ है दैट इज इन अ फिट वन वेरिएबल। अब फिट वन वेरिएबल के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फिट वन डॉट डाल के टैब का साइन प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। सो यहां से अगर मैं फिटेड वैल्यू को क्लिक करके करूं तो ये बेसिकली मुझे शो कर रहा है आपके पास उन फिटेड वैल्यूज को। सो लेट मी रन अगेन एंड रन अगेन। ओके, सो राइट नाउ दिस इज द माई फिटेड वैल्यू। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। सो हमारे पास दिस इज द कमांड, दिस इज वी आर कॉलिंग द लाइब्रेरी एंड नाउ वी आर कॉलिंग F1 एंड नाउ दिस। सो ये मेरे पास बेसिकली उसकी जो है वो अब प्रिडिक्शन आ रही है दैट इज फ्रॉम 2005 टू 2011, मुझे वो उसकी वैल्यू दे रहा है कि आपके पास जो है वो इनकी फोरकास्टिंग वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। ठीक है जी, सो यहाँ से हम उसकी बेसिकली प्रिडिक्शन को नोट डाउन कर रहे हैं। लेट मी सी अगेन बिकॉज ये जो है वो हमें रॉन्ग डाटा को पिक कर रहा है। जब इस कमांड को दोबारा रन करने दीजिएगा। सो दिस इज ऑयल डाटा, लेट मी रन दिस वन अगेन। दिस ओके, यस दिस इज राइट नॉइज। ओके, सो हमारे पास जो है वो बेसिकली ये फोरकास्टिंग वैल्यू को वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है दैट इज कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि आपके पास जो पैरामीटर की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ओके, लाइक आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन अवेलेबल है फिट वन दैट इज बेसिकली जिसके अंदर हमने वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल फिट करके लगाया था। अगेन अगर मैं डॉट टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है विच इज कॉल्ड एज पैरास। सो पैरास मीन पैरामीटर्स। ठीक है, सो अगर हम इसको रन करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, वो हमें आउटपुट में शो कर रहा है कि इसका अल्फा की वैल्यू हमने शो क्या की है, मीन स्मूथिंग अल्फा की वैल्यू ली क्या है। सो देर इज नो ट्रेंड, देर इज नो सीजनैलिटी क्योंकि नन नन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, देर इज नो डैम ट्रेंड, इनिशियल वैल्यू उसने क्या पिक की है। ठीक है, वाइल फिटिंग दिस लीनियर मॉडल। ओके, और बाकी हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो इसको हम बाद में डिस्कस करें। हम चाहें तो आपके अंदर एक और फंक्शन भी अवेलेबल है, अगर मैं कहूँ फिट वन डॉट इंस्टेड ऑफ पैरास को हम पैरामीटर्स फॉर्मेटेड अगर हम इस्तेमाल करें, और अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो वो मुझे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आउटपुट दे रहा है कि स्मूथिंग लेवल विच इज एल्फा वो हम 0.2 यूज करें एंड दिस इज नॉट द ऑप्टिमम एल्फा क्योंकि ये आपने खुद से डिफाइन किया हुआ है। एंड व्हाट्स द इनिशियल वैल्यू राइट नो द मॉडल इज यूजिंग। ठीक है, एज यू नो दैट कि हमें
सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के लिए एक इनिशियल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी. सो वो इनिशियल वैल्यू जो है वो कौन सी सिलेक्ट कर. ओके, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी हमने फर्स्ट सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल अप्लाई किया व्हेन अल्फा इज 0.2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली मैं अकाई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, अकाई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया कोरेक्टेड कैलकुलेट कर रहा हूँ और बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, तीनों वन गो में हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अगेन मैंने आपको पहले बताया, फिट वन डॉट टैब प्रेस करोगे तो आपके पास लिस्ट आ रही है. सो मेरे पास पहला ही अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया की ऑप्शन आ रही है. इसी तरीके से आपने देखा कि हमारे पास अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया कोरेक्टेड की भी ऑप्शन आ रही है और बेजियन की भी. इफ वी रन दिस कमांड वी कैन सी दैट कि आपके पास इस मॉडल की वैल्यूज क्या आ रही. सो इस पर्टिकुलर अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया के आंसर को, इस पर्टिकुलर अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया कोरेक्टेड के आंसर को देखते हुए हम एग्जैक्टली यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये मॉडल कितने अच्छी हमें प्रेडिक्शन देगा. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ओके, अगर मैंने अल्फा 0.2 रखा तो मेरा का इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया क्या आ रहा है, और अगर मैं अल्फा को 0.2 से चेंज करके 0.3 कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0.4 कर दूं तो क्या आ रहा है. सो जिस मॉडल का इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया या बेजियन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया सबसे कम होगा वो बेस्ट मॉडल होगा फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस. सो फिलहाल अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैंने अल्फा 0.2 रखा और यही मॉडल मेरा बेस्ट मॉडल है और मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट करना है, तो वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर राइट नो फोरकास्ट करूँ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. तो उसके लिए मेरे पास जो फंक्शन अवेलेबल है, अगेन क्योंकि सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो हमारे पास मॉडल फिट हुआ था, दैट इज इन दिस वेरिएबल दैट इज फिट वन के अंदर वो सेव था. डॉट करके हमने क्या कर दिया, अगेन अगर मैं शो करूँ डॉट टैब तो हमारे पास आ रहा है जी फोरकास्ट. ओके, और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे कि कितने टाइम पीरियड का करना है. सो 3 मेन, दैट मीन नेक्स्ट 3 ईयर की वो हमें फोरकास्ट प्रोवाइड करे. ओके, क्योंकि हमारे पास डाटा 2007 तक का था तो वो मुझे 2008 की भी फोरकास्ट दे रहे हैं, 9 की और 10 की फोरकास्ट हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट जी. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 2. अब हमें ये देखना है कि क्या ये बेटर मेथड है व्हेन वी आर यूजिंग अल्फा 0.2. तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0.6. ओके, बाकी सेम वही है, उसको मैंने फिट वन के अंदर सेव किया हुआ था, इसको मैंने फिट टू वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया. अगेन द एंटायर कमांड इज सेम, ओनली द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द smoothing level which is alpha. So instead of using 0.2 अब हम use करें 0.6 और उसके accordingly हमने forecast कर लिया. और मैंने अब क्या कर लिया, 0.6 के accordingly भी अकाई information criteria, अकाई information criteria corrected और Bayesian information criteria calculate कर लिया. Similarly मैं again एक third model apply कर रहा हूँ simple exponential smoothing का, जिसमें मैं fit function के अंदर कुछ नहीं दे रहा, यानी कि ये वाला मैं जो है वो कुछ नहीं दे रहा, मतलब ना ही मैं उसको पाइथन को जो है वो बता रहा हूँ कि स्मूथिंग लेवल क्या रखा जाए, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन इज फॉर. सो दैट्स में जब हम सिंपल फिट फंक्शन लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मीन ऑप्टिमम बेस्ट पॉसिबल अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा और वो बेस्ट अल्फा की वैल्यू होगी, जिसके जरिए आपके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया सबसे स्मॉलेस्ट आ रहे हो. सो राइट नो मैंने इसको सेव कर लिया फिट 3 के अंदर और मैं जब इस मॉडल को रन कर रहा हूँ, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया फॉर दिस मॉडल, अकाई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया कोरेक्टेड एज वेल एज बेजियन फॉर दिस मॉडल, तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंगली आंसर आ गए. सो अब बेसिकली हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के 3 डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किए, व्हेन अल्फा वाज 0.2, व्हेन अल्फा वाज 0.6 and when alpha is optimally calculated by the stats model library from the python. ठीक है जी, अब हमने compare करने है कि हम कौन से model को इस्तेमाल करें, 0.2 वाले model को use करें to predict the future, 0.6 वाले model को use करें या optimum वाले. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे basically इन तीनों model की
जब 0.2 यूज किया, जब 0.6 किया, जब पॉइंट जब ऑप्टिमम अल्फा की वैल्यू थी उनकी कंपैरिजन पर्पस के लिए AIC, AICC और BIC की वैल्यूज को प्रिंट आउट कर लिया, ठीक है, ताकि हम बेस्ट मॉडल को सिलेक्ट कर सकें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये टेबल मैंने बनाया कैसे। मैंने ये किया जी कि आपके पास एक वेरिएबल रखा मॉडल वन फिट, सो दैट इज अ फर्स्ट मॉडल, और इसका जो डेटा सेव था दैट वाज फिट वन वेरिएबल के अंदर सेव था, ठीक है। सो मैंने फिट वन डॉट AIC, फिट वन डॉट AICC और फिट वन डॉट BIC कर दिया। इसी तरीके से मॉडल टू फिट, और उसका जो डेटा हमारे हमने फिट करके रखा हुआ था दैट वाज इन फिट टू वेरिएबल के अंदर, और मॉडल थ्री का जो डेटा था वो फिट थ्री के अंदर हमने सेव किया हुआ था। ओके, सो हमने अब इनके आंसर्स को, इन तीनों के आंसर्स को इन वेरिएबल्स के अंदर मॉडल वन, मॉडल टू फिट और मॉडल थ्री फिट के अंदर रख दिया। अब मुझे क्योंकि टेबल बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर पांडास की डाटा फ्रेम को यूज कर रहा हूँ, pd.dataFrame, ठीक है, दैट इज द फंक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स से क्या मराद है कि मीन ईच रो की वैल्यू क्या होगी, मीन इंडेक्सिंग क्या होगी, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स इज AIC, सेकेंड इंडेक्स इज AICC, द थर्ड इंडेक्स इज BIC। सो ये मेरे पास रो की लेबल्स आ रहे हैं। देन कॉलम नाम, कॉलम नेम्स हमने क्या रखने हैं, इक्वल टू कॉलम का हमने रख दिया कि जी मॉडल वन के मुझे बताओ AIC, AICC और BIC क्या है, मॉडल टू का और मॉडल थ्री का। सो जैसे हम रन करके एट द एंड रिजल्ट रन करेंगे तो वो मुझे मॉडल वन का AIC, AICC, BIC, similarly for model 2, similarly for model 3 वो शो कर रहे हैं। Now we can check that के हम कौन से मॉडल को यूज करें टू फोरकास्ट, टू प्रेडिक्ट। सो जिसका AIC, AICC, BIC सबसे स्मॉल है वो बेस्ट है, और वो कौन सा है, दैट इज अ मॉडल 3, जब हम ऑप्टिमम अल्फा की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। सो 0.2 अल्फा हमें बेटर फोरकास्ट नहीं देगा, अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.6 रखें वो हमें बेटर फोरकास्ट नहीं देगा, बल्कि अगर हम ऑप्टिमम अल्फा जो पाइथन खुद से कैलकुलेट कर रहा है यूजिंग स्टैट मॉडल, सो वो हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो इसको अब F3 के अंदर ये मॉडल सेव था उसको इस्तेमाल करते हुए हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया। सो इसका मतलब ये है कि इन 2000 जो ऑयल प्रोडक्शन होगी वो 496 मिलियन टन होगी, इसी तरीके से 2009 में भी इतनी होगी और 2010 में भी होगी, दैट इज ड्यू टू द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, अब मुझे ये देखना है कि जो फिट थ्री मॉडल है इसका पाइथन ने अल्फा क्या यूज किया, ठीक है। तो उसके लिए अगेन जैसे हमने ऊपर शो किया डॉट पैरामीटर्स, मीन F3 डॉट टैब साइन, तो हम कर सकते हैं पैराज, ठीक है, पैराज अगर हम करें। ओके, सो आपके पास क्या आ जाएगा, वो हमें उनकी वैल्यूज को जो है वो शो कर देगा, दैट इज दिस वन, राइट। सो वो बता रहा है कि जो ऑप्टिमम अल्फा की वैल्यू उसने कैलकुलेट की दैट इज 0.891 अप्रोक्सीमेटली, जो है वो अल्फा की वैल्यू को यूज कर रहा है, बिकॉज राइट नाउ वी हैव फिटेड द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, सो दैट्स व्हाई नो ट्रेंड, नो सीजनैलिटी, नो डैम ट्रेंड। ओके, और इनिशियल वैल्यू उसने क्या यूज किया है, 447.47 उसने यूज करते हुए इसके आंसर्स को जो है वो कैलकुलेट किए। अगर आप चाहो तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे एक्सेस करना है सिंपल इसकी वैल्यू को, तो वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो पाइथन के अंदर, यू कैन राइट डाउन फिट थ्री जिसके अंदर ये वेरिएबल था डॉट पैरस, और ब्रैकेट के अंदर आपने उसका नाम लिख देना है, मतलब स्मूथिंग लेवल की वैल्यू मुझे देखनी है तो मैंने स्मूथिंग लेवल लिख दिया, अगर मुझे स्लोप की वैल्यू मीन जिसको हम बीटा नॉर्मली कहते हैं ट्रेंड को वो देखनी है तो आप फिर यहाँ पे स्मूथिंग अंडरस्कोर स्लोप कर देते तो हमें उसका आंसर वो शो कर रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो तीनों मॉडल्स मैंने अप्लाई किए हैं इनको मैं ग्राफिकल कंपैरिजन पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूँ। सो ग्राफिकली मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, सो सबसे पहले तो इन दो कमांड्स के जरिए क्या होगा कि हम अपना फिगर साइज डिसाइड कर रहे हैं और प्लस ग्रिडिंग हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इस लाइन ऑफ कोड से हम अपने क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्चुअल डाटा को प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल डाटा के अंदर हमारा पास एक्चुअल डाटा था, हमने इसका लेबल रख दिया कि जब वो लाइन को ड्रॉ करे ऑयल एक्चुअल डाटा को तो उसको लेबल क्या दे दे, वो हमने सिंपल दे दिया डाटा, और इसका इस लाइन का कलर क्या हो
ठीक है, और मार्किंग हमने क्या कर दी कि एवरी ईयर की जो वैल्यू है उसको वो ब्लैक डॉट के जरिए इंडिकेट कर दे। सो ये मार्कर जीरो जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड, जो फर्स्ट मॉडल हमने फिट किया था विद एल्फा इज इक्वल टू 0.2, सो दिस इज बेसिकली दिस लाइन ऑफ कोड इज इंडिकेटिंग द फोरकास्टेड वैल्यू। ओके, फोरकास्टेड वैल्यू से क्या मुराद है, दैट इज दिस लाइन, ये जो हमें फोरकास्टिंग वैल्यू नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या नजर आ रही है, जो ब्लैक लाइन है वो हमें एक्चुअल डेटा सेट इंडिकेट कर रहा है, जो रेड लाइन है ये हमारे पास फिटेड वैल्यू हमें शो कर रहा है जब अल्फा 0.2 है। सो दिस रेड लाइन इज नॉट अ फोरकास्टेड वैल्यू, दीज आर द फिटेड वैल्यू जो कि इस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ रही है, और जो फोरकास्टेड नेक्स्ट 3 ईयर की है वो ये हमें शो कर रहा है। सो फिटेड वैल्यू हमें कहाँ से नजर आ रही है, फिट वन डॉट फिटेड वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें नजर आ रही है। सो ये वाली लाइन जब आप लिखोगे तो हमें ये वाली लाइन हमें नजर आ रही होगी, दिस रेड लाइन, दिस इज द फिटेड वैल्यू लाइन। और अगर मुझे ये फोरकास्टेड लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें एक कमांड कौन सी यूज करनी पड़ेगी, फोरकास्ट वन को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हम लेबल क्या कर रहे हैं, कलर क्या दे रहे हैं, एंड देन मार्कर क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, सो बेसिकली दिस लाइन ऑफ कोड इज इंडिकेटिंग व्हेन वी आर यूजिंग द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.2, दिस लाइन ऑफ कोड व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0.6, एंड दिस लाइन ऑफ कोड वी आर प्लॉटिंग व्हेन वी हैव यूज्ड ऑप्टिमम अल्फा। अगेन लेजेंड वी आर इंडिकेटिंग कि ये टॉप लेफ्ट के ऊपर हो, सो जैसे मैंने आपको बताया 1 करोगे तो ये टॉप राइट पे आ जाएगा। सो राइट नाउ दिस इज द ग्राफिकल कंपैरिजन। सो यहां से भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑप्टिमम अल्फा वो यूज कर रहे हैं 0.89, वो हमें अपने एक्चुअल डेटा सेट के ज्यादा करीब नजर आ रहा है। सो दिस इज राइट नो द बेटर फोरकास्टिंग मेथड वो हमें नजर आ रहा है। सो वी कैन रिलाय ऑन दिस ब्लू लाइन ऑफ फोरकास्टिंग वैल्यू। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल। अब हम आ जाते हैं कि अगर मुझे लीनियर मेथड मीन होल्ड्स लीनियर मेथड अप्लाई करना है या मुझे अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली ट्रेंड मेथड के अगर हमने अप्लाई करना है, विच इज अगर मैं आपको शो करूं राइट नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, सो ये जो हम सेकेंड लाइन ऑफ के लीनियर ट्रेंड है या एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है या डैम ट्रेंड है। सो अगर हमने ट्रेंड वाले मॉडल्स को अप्लाई करना है, विच वी आर टॉक अबाउट होल्ड्स लीनियर मैथड, ओके, या हम बात कर रहे हैं होल्ड्स एक्सपोनेंशियल ट्रेंड मैथड, या हम बात कर रहे हैं होल्ड्स डैम ट्रेंड मैथड, सो राइट नाउ वी आर टॉक अबाउट दिस वन। सो इनको अगर आपने अप्लाई करना है तो इंस्टेड ऑफ हम यूज करेंगे जो फंक्शन हम कॉल प्रीवियसली कर रहे थे फोरकास्टिंग के लिए, दैट वाज बेसिकली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अब हम क्या कर रहे हो कि हमारे पास फंक्शन जो इन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए वो है होल्ड्स फंक्शन है, दैट इज दिस होल्ड। ओके, बट इस होल्ड मेथड को अप्लाई करने के लिए जो डेटा सेट मैं इस्तेमाल करूँ वो डिफरेंट डेटा सेट में इस्तेमाल करूँ, दैट इज बेसिकली एयर पोल्यूशन का है, अगेन एनुअल एयर पोल्यूशन का डेटा है मेरे पास ये। ओके, सो दीज आर द सेम डेटा सेट, लाइक हाउ वी कैन डिफाइन द डेटा, राइट? सो एज यू नो दैट कि हम एक लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द डेटा सेट और इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन टू द टाइम सीरीज। सो सबसे पहले तो हमें एक रेंज ऑफ टाइम सीरीज देनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि ये 1990 से डेटा शुरू हो रहा है और 2005 तक का डेटा, एंड देन दिस इज एनुअल इंक्रीज, ओके, कि एनुअली आपके पास वैल्यू आ रही है, एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस डेटा सेट इनटू अ टाइम सीरीज डेटा, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग पीडी डॉट सीरीज डेटा, और दीज आर द डेट्स, और इसको हम एयर वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं, एंड राइट नाउ दिस इज आर द टाइम सीरीज डेटा। और एज यू नो दैट दिस लाइन ऑफ कोड से हम अपने एक्चुअल डेटा सेट को प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टू लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, आपके फिगर साइज को डिटरमिन कर रही है और ग्रेडिंग कर रही है, सेकेंड से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं इस डेटा को और प्लस इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास लोकेशन ऑफ दिस लेजेंड को डिटरमिन कर रहा है कि आपका जो ये लेजेंड है वो कहाँ पे हमें शो कर रहा है। सो राइट नो जैसे हम इस प्लॉट को देखते हुए भी देख सकते हैं कि इट्स लुक लाइक अ ट्रेंडिंग डेटा, ठीक है। अब ये लीनियर ट्रेंड इसके लिए बेटर रहेगा, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड वाला होल्ड मेथड बेटर रहेगा, या डैम ट्रेंड वाला, वो हमें देखना है कि वो कौन सा मेथड बेहतर रहेगा इस डेटा को फोरकास्ट करने के लिए। सो इन ऑर्डर टू डू दैट,
सबसे पहले मैं लीनियर होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड जो है वो अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ. सो उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज अगेन होल्ड, देन नेम ऑफ द डेटा जिसके अंदर हमने वो अपना टाइम सीरीज डेटा स्टोर करवाया हुआ था. सो एयर वेरिएबल के अंदर मैंने अपना टाइम सीरीज डेटा स्टोर करवाया हुआ है. डॉट फिट, ओके. अब क्योंकि हम लीनियर ट्रेंड कर रहे हैं तो हमें उसके पास हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं. अगर मैं आपको फॉर्मूलाज दोबारा से दिखाऊं, सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे एक पैरामीटर है एल्फा और दूसरा बीटा है. सो दैट मीन एल्फा इज अ यू कैन से स्मूथिंग लेवल पैरामीटर है, जबकि जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, स्मूथिंग स्लोप पैरामीटर है जिसको हम ट्रेंड पैरामीटर भी कह सकते. तो हमें ये बताना है कि आपने स्मूथिंग लेवल क्या रखना है. सो वो मैंने अपना जो पहला मॉडल फिट कर रहा हूँ उसमें मैं स्मूथिंग लेवल अल्फा की वैल्यू 0.8 रख रहा हूँ, ठीक है, और जो ट्रेंड की वैल्यू रख रहा हूँ वो 0.2. रिमेंबर दैट अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहेगी, ठीक है. सो दीज आर द वेटेड वैल्यूज. और राइट नाउ मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिमाइज इज इक्वल टू फॉल्स, कि आप ऑप्टिमम वैल्यू मत यूज करो बल्कि ये जो मैंने खुद से बताई हुई है इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए आप होल्ड्स लीनियर मेथड जो है वो अप्लाई करते हुए मुझे फोरकास्टिंग वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करें. सो ये इस लाइन ऑफ कोड से हमने होल्ड लीनियर मेथड जो है वो अप्लाई कर दिया, मीन मॉडल को फिट कर दिया, ओके, और हमने इसको सेव कर लिया फिट वन वेरिएबल के अंदर. और इसकी फिटेड वैल्यू क्या आ रही है, दैट मीन फिटेड वैल्यू का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है. सो दीज आर द फिटेड वैल्यू, दीज आर द एक्चुअल डेटा सेट वैल्यूज जो हमारे पास. सो दिस इज द एक्चुअल डेटा. सो एज यू कैन सी दैट कि एक्चुअल डेटा अगर 17.55 था बट फिटेड वैल्यू आ रही है 21.86, ठीक है जी. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है. When alpha was 0.8, when the trend was 0.2, और हमने क्या कर दिया इसको, क्योंकि fit 1 के अंदर स्टोर किया हुआ था तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ फोरकास्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 5. इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर की वो मुझे फोरकास्ट प्रोवाइड कर, ओके. और डॉट रीनेम से मुराद क्या है कि बेसिकली मैं इस सीरीज को नाम दे रहा हूँ खुद से. अगर आप ये नाम भी दें तो भी ठीक है, ठीक है. सो दैट मीन विदाउट नेम सो बाय डिफॉल्ट नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं खुद से इसको नेम दे रहा हूँ इस सीरीज को, कि इसको वो नाम दे दे क्योंकि हमने लीनियर ट्रेंड मेथड अप्लाई किया है. सो दैट्स व्हाई गिव द नेम ऑफ होल्ड्स लीनियर ट्रेंड, ओके. सो वंस वो फोरकास्ट करके इसको वो सेव कर देगा फोरकास्ट 1 के अंदर, एंड देन वी आर आइडेंटिफाइंग के वो वैल्यूज क्या. सो दैट मीन 2004 एक्चुअल डेटा सेट था, 2005 की फोरकास्टेड वैल्यू क्या है, 6 की, 7 की, 8 की, 9. सो जितने भी ईयर का आपने फोरकास्ट निकालना है वो आप यहाँ से कर सकते हो. सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द लीनियर ट्रेंड मेथड, ठीक है. सो इसमें हमने लीनियर ट्रेंड मेथड को अप्लाई किया. इफ आई वांट टू अप्लाई द एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इंस्टेड ऑफ द लीनियर ट्रेंड, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी फंक्शन एज इट इज है. सिंपल जो आपने होल्ड एयर लिखा था उसमें कॉमा डाल के आपने लिख देना एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 2. बाकी आपका जो फंक्शन है या कमांड जो है वो सेम वही रहेगी, ओके. और मैंने इसको सेव कर दिया फिट 2 के अंदर, ओके. बाकी वही है, फिटेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हम फ्यूचर फोरकास्ट 5 वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट मैं अगर फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के मैं डैम ट्रेंड का मॉडल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, दैट इज राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डैम ट्रेंड, ओके. तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी अगेन वही की वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जहां पे हमने लिखा था एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू ट्रू वहां पे हम लिख देंगे डैम इज इक्वल टू ट्रू. तो अब ये डैम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हमें फोरकास्ट प्रोवाइड कर दे, राइट जी. सो हमने 3 मॉडल्स अप्लाई किए, 1 इज लीनियर ट्रेंड, ओके, ऑन दिस डेटा. Another is simple as exponential trend holds method, or other is we apply the damp trend. Okay, now we want to compare के इस particular data set के ऊपर इन तीनों models में से कौन सा best है. So again मैं क्या कर रहा हूँ, same commands को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, model 1 के अंदर मैंने अपना linear trend वाला
कि एआईसी एआईसीसी और बीआईसी कैलकुलेट करो, मॉडल टू फिट के अंदर मैं अपने एक्सपोनेंशियल ट्रेंड वाले मॉडल्स की वैल्यूज एआईसी और एआईसीसी की कर रहा हूँ, और मॉडल थ्री फिट के अंदर मैं जो काई इन्फॉर्मेशन क्राइटेरियाज और बीआईसी वगैरह है उसमें कर रहा हूँ. और इन ऑर्डर टू प्रिंट दिस वन आई एम अगेन डिवेलपिंग अ डेटा फ्रेम. ठीक है, इंडेक्सेस मीन ईच रो का नाम क्या रखना है, ईच कॉलम का नाम क्या रखना है, और हम उनकी वैल्यूज को सेव कर रहे हैं कि ए आई सी की और ए आई सी सी और बी आई सी की वैल्यूज को केस में सेव है. शो मी इन द कॉलम ऑफ मॉडल वन. सो दैट इज दिस. सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन सी दैट के आपके पास जो सबसे बेस्ट मॉडल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, जो हमारे पास मॉडल थ्री था विच इज विद रिस्पेक्ट टू द डैम ट्रेंड. सो अगर हम यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि इस डेटा सेट के लिए जो बेस्ट मॉडल आ रहा है वो होल्ड्स डैम ट्रेंड विद एडिटिव राइट नो दैट इज द बेस्ट मॉडल है. ओके, जो अभी तक हमने मॉडल फिट किया. सो यू कैन ट्राई अदर्स एज वेल. ओके, मैंने अभी तक ऑप्टिमम अल्फा और ऑप्टिमम बीटा नहीं यूज किया. सो यू कैन ट्राई द फोर्थ मॉडल कि जिसमें वो अल्फा और स्मूथिंग अल्फा भी ऑप्टिमम कैलकुलेट करे, तो आपको फिर ये वाली वैल्यू देने की जरूरत नहीं होगी. आप सिंपल लिखोगे डॉट फिट और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमम अल्फा और ऑप्टिमम बीटा खुद से कैलकुलेट कर रहा है. बहरहाल आउट ऑफ दीज थ्री मॉडल्स हमारे पास जो थर्ड मॉडल है दैट इज अ बेस्ट मॉडल, और हम उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली अगेन मैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये ग्राफ वाली सेम वही कमांड है जो हमने प्रीवियसली यूज की. इन दो लाइन ऑफ कोड से मैं ग्राफ का साइज और ग्रिडिंग कर रहा हूँ. इससे मैं अपना एक्चुअल डेटा सेट प्लॉट कर रहा हूँ. सो ब्लैक कलर मेरे एक्चुअल डेटा सेट को इंडिकेट करेगा. मार्कर जीरो मीन ब्लैक डॉट मुझे इंडिकेट करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा वैल्यूज हैं. इससे मैं होल्ड्स लीनियर ट्रेंड को ड्रॉ कर रहा हूँ. सो रेड लाइन मेरे होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज अ मॉडल टू. जो सेकेंड मॉडल हमने फिट किया था विच इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, ठीक है, वो हम ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहे हैं. और जो थर्ड मॉडल हमने फिट किया था दैट इज अ डैम ट्रेंड. अगेन रिमेंबर दैट जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है ये इस फ्यूचर की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, जो सेकेंड लाइन ऑफ कोड है वो इंडिकेट कर रहा है आपकी फिटेड वैल्यू. सो रिमेंबर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फिटेड वैल्यू एंड द फोरकास्टेड वैल्यू. जो फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, और फिटेड वैल्यू जो कि आपके एक्चुअल डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रहे हैं. सो ये हमारे पास फिटेड वैल्यू का ग्राफ है और ये हमारे पास फ्यूचर फोरकास्टेड वैल्यू का ग्राफ. सो एज पर आर कंक्लूजन फ्रॉम द मॉडल सिलेक्शन कि हमें जो बेस्ट प्रेडिक्शन के लिए आउट ऑफ दीज थ्री मॉडल यूज करना चाहिए वो मॉडल थ्री यूज करना चाहिए विच इज होल्ड एडिटिव डैम ट्रेंड मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए. सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फोरकास्ट आ रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ब्लू कलर. ओके, और वो ब्लू कलर की जो वैल्यूज हैं दैट इज दिस. सो दैट मीन 2005 की हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, 2006 की प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, 7, 8 and 9 एंड सो ऑन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द विंटर सीजनल मैथड. मीन्स कि अब हम सीजनैलिटी को भी बीच में लेके आ रहे हैं. दैट मीन अभी तक हमने ये सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट को नहीं डिस्कस किया था. हम सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का जिक्र किया, हमने लीनियर ट्रेंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड डैम ट्रेंड का जिक्र किया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमने सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट को अगर लेके आना तो वो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते. सो इसके लिए मैं अब डेटा सेट जो यूज कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ विजिटर्स का डेटा है. मीन एवरी ईयर आप कह लें कि बेसिकली परसेंटेज ऑफ विजिटर विजिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. सो ये बेसिकली मेरे पास क्वार्टरली डेटा है, राइट. सो हमारे पास ये तो आपके पास सबसे पहले डेटा सेट आ गया. सो एज यू नो दैट कि हमने सबसे पहले एक लिस्ट अगर क्रिएट करनी है तो हम बड़ी ब्रैकेट के जरिए वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और पाइथन के अंदर अगर हमने मल्टीपल लाइन के अंदर कोड लिखना है तो हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हुए इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. सो अगर ये मैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा और सिंपल मैं ये बड़ी ब्रैकेट के जरिए इस लाइन ऑफ कोड को अगर मैं रन करूंगा तो मुझे एरर देगा. ओके, सो उसके लिए फिर आपको एक ही लाइन के अंदर इस सारे के सारे डाटा को लिखना पड़ेगा.
सो स्मॉल ब्रैकेट की वजह से हम मल्टीपल लाइन के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये क्वार्टरली डेटा है, दैट मीन 2005, ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, देन सिमिलरली 2006, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री का डेटा है, तो हमने उसको अब किस तरीके से टाइम सीरीज के अंदर रिप्रेजेंट कर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग द सेम फंक्शन डॉट डेट अंडरस्कोर रेंज। स्टार्ट हम करें, दैट इज बेसिकली ये डेटा है 2005 से 2010 क्वार्टर फोर के एंड तक का डेटा, सो हम कह रहे हैं स्टार्ट करें वो 2005 से, एंड करें 2010 माइनस साइन Q4, ओके, और फ्रीक्वेंसी में मैं लिख रहा हूँ QS माइनस अक्टूबर, ओके, सो दैट मीन स्टार्ट वो क्या कर रहे हैं अक्टूबर से, दैट इज द लास्ट क्वार्टर जो स्टार्ट आपके पास हो रहा है, ओके, सो 2005 के लास्ट क्वार्टर से स्टार्ट करें और 2010 के लास्ट क्वार्टर तक हमारे पास हो जाए। और अगेन अब हम क्या करें, इस डेटा और इस इंडेक्स को जो है वो मैं टाइम सीरीज में कन्वर्ट करूँ यूजिंग द पांडा सीरीज फंक्शन, और मैं इसको सेव करूँ AUSD, दैट इज ऑस्ट्रेलियन विजिटर्स डेटा, और मैं इस डेटा को अगेन प्लॉट कर, सो यूजिंग दिस इज वी आर डिसाइडिंग द फिगर साइज एज वेल एज ग्रिडिंग कर रहे हैं, और हम यहाँ से प्लॉट कर रहे हैं और देन हम लेबलिंग कर रहे हैं, मीन लेजेंड्स का क्रिएट कर, सो एज यू कैन सी दैट के हमारे पास 2005 से डेटा स्टार्ट हो रहा है और हमें ये सीजनल डेटा नजर आ रहा है, ठीक है, कि हमारे पास कभी विजिटर्स की तादाद पीक पकड़ रही है एवरी ईयर के अंदर, ओके। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें अगर ये मेथड अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे ट्रेंड भी नजर आ रहा है, मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज भी कर रही है, ओके, सो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि जो ट्रेंड आ रहा है वो इज इट अ लीनियर ट्रेंड है, इज इट एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है, इज इट अ डैम ट्रेंड है, और प्लस जो सीजनैलिटी आ रही है क्या ये एडिटिव सीजनैलिटी है या ये मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक ही गो के अंदर चार मॉडल्स डिफरेंट अप्लाई किए, सो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए जो हमारे पास होल्ड्स विंटर मेथड को अप्लाई करने का फार्मूला है या फंक्शन हमारे पास है, दैट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, देन आई एम राइटिंग डाउन द वेरिएबल इन विच वी हैव स्टोर द टाइम सीरीज डेटा, देन अब मैं बता रहा हूँ सीजनल पीरियड्स मीन कितने, मीन एवरी ईयर के अंदर आपके सीजनल टाइम पीरियड कितने, क्योंकि हम क्वार्टरली डेटा ले रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, अगर आपका सीजनल पैटर्न मंथली है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12, ओके, एंड सो ऑन। देन अब मैं क्या कर रहा हूँ इस मॉडल के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि जी ट्रेंड जो है वो एड करें, ओके, मीन देर इज एडिटिव ट्रेंड मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ओके, सो देर इज एडिटिव ट्रेंड, ओके, और सीजनैलिटी भी मैं एडिटिव रखना चाह रहा हूँ, सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल। डॉट फिट के आप जो है वो अल्फा की वैल्यू, सो रिमेम्बर दैट राइट नो वो हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास राइट नो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल एडिटिव होल्ड्स विंटर मॉडल, सो दैट मीन अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली वो खुद से कैलकुलेट करें, राइट। इसी तरीके से मॉडल टू के अंदर मैं क्या करूँ, पीरियड फोर ही है, ट्रेंड एडिटिव ही है, बट सीजनल को एडिटिव की बजाय मैं मल्टीप्लिकेटिव अप्लाई करके चेक कर रहा हूँ, ओके। थर्ड मॉडल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ लीनियर ट्रेंड रखने के मैं डैम ट्रेंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, विद एडिटिव। इसी तरीके से फोर्थ मॉडल के अंदर मैं सीजनल मल्टीप्लिकेटिव रखते हुए डैम ट्रेंड कर रहा हूँ, सो यू कैन ट्राई अदर मैथड्स एज वेल के एक्सपोनेंशियल को ट्रू कर दिया जाए, ठीक है, या आप अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू खुद से प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज स्मूथिंग अल्फा, स्मूथिंग स्लोप एंड सो ऑन। सो वंस वी रन दीज फोर मॉडल्स, सो हमने चार मॉडल्स एक ही गो के अंदर अप्लाई कर दिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने फर्स्ट मॉडल अप्लाई किया मैं उसके पैरामीटर्स के आंसर देखना चाह रहा हूँ कि उसने क्या अल्फा की वैल्यू यूज की है, ठीक है, क्या उसने बीटा की वैल्यू यूज की है, क्या उसने गैमा की वैल्यू यूज की है, सो वी कैन यूज दिस वन, दैट इज फिट वन ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास ये मॉडल था, राइट, और उसके हम उसकी पैरामीटर की वैल्यू को देख रहे हैं, ओके, और ये अब हम चाहें तो चारों के चारों मॉडल्स की मतलब ये जो अभी हमने फिट किए हैं इसको मैं एक अच्छे तरीके से टैबुलर फॉर्म में भी प्रिंट कर सकता हूँ,
उसको प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने रिजल्ट वेरिएबल के अंदर डेटा फ्रेम वेरिएबल फ्रॉम पांडास कॉल किया फंक्शन इंडेक्सिंग, मीन जो मैं ईच रो को नाम दे रहा हूँ, सो इंडेक्स कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली क्योंकि हम मैथमेटिकली प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अल्फा को, तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर कॉलन साइन डॉलर्स के दरमियान में हमें लिखना पड़ेगा बैक स्लैश अल्फा, डॉलर्स के दरमियान बैक स्लैश बीटा, तो वो हमें फिर मैथमेटिकली उस सिंबल्स को वो राइट डाउन कर देगा। इसी तरीके से बैक स्लैश फाइव बैक स्लैश डॉलर के अंदर कामा, ओके एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास जो है वो हमने रो को लेबल्स कर दिया, दैट इज अल्फा बीटा गैमा, दीज आर बेसिकली फॉर सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पैरामीटर, दिस इज ट्रेंड पैरामीटर बीटा, दिस इज बेसिकली योर आप कह लें कि सीजनल का पैरामीटर है विच इज गामा एंड सो ऑन, ओके। और इन द एंड वी आर राइटिंग डाउन एसएससी, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, एआईसी इकाई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और बीजन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, इन ऑर्डर टू सी कि इन चार मॉडल्स में से बेस्ट मॉडल कौन सा है। अब मुझे इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो मुझे ये पता है कि इसका जो पैरामीटर वाला फंक्शन है उसके अंदर स्मूथिंग अल्फा, स्मूथिंग स्लोप, स्मूथिंग आपके पास सीजनल, डैम स्लोप, उनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे एज इट इज ये नाम मैंने लिख दिया, स्मूथिंग अल्फा विच इज अल्फा वैल्यू, स्मूथिंग स्लोप विच इज बीटा वैल्यू, डैम स्लोप विच इज फाई वैल्यू, दिस इज बेसिकली गामा वैल्यू, दिस इज अनिशियल, ओके। सो यही वैल्यूज को मैंने एज इट इज कर दिया। So out of these, I have picked these five or six parameters. Okay, अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमें जो कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ रही है, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, एक कॉलम बनाओ जिसका नाम रखो मॉडल वन, ओके इक्वल टू, अब हम क्या करें, मॉडल वन विच इज फिट वन के अंदर हमने सेव किया हुआ है, so, इस मॉडल के अकॉर्डिंग इस मॉडल के पैरामीटर्स हमने प्रिंट करवाने हैं, सो फिट वन डॉट पैरामीटर्स, और मैं लूप इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मुझे अल्फा की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मुझे बीटा की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मुझे डैम को, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया आपके पास लिस्ट ऑफ पाइथन पी आ जाएगा फॉर पी इन पैरामीटर्स, राइट। सो ये वाला पैरास कौन सा है, दैट इज दिस लिस्ट, ओके। सो दैट मीन वो क्या करेगा, फ्रॉम इसमें से आपके पास सबसे पहले वो इस अरे के अंदर जाएगा और इनमें से स्मूथिंग लेवल की वैल्यू वो प्रिंट करेगा, फिर वो क्या करेगा आपके पास स्मूथिंग स्लोप की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर वो क्या करेगा डैम स्लोप की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर वो क्या करेगा स्मूथिंग सीजनल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, सो स्मूथिंग सीजनल इज दैट इज दिस वन, ठीक है जी। सो आपके पास उन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट वो जो है वो प्रिंट कर देगा, और इन द एंड क्योंकि पैरामीटर्स के अंदर आपके पास एसएसई नहीं है तो मैं उसको प्लस करके सेपरेटली इसी कॉलम के अंदर ऐड करवा रहा हूँ, इसी तरीके से एआईसी की वैल्यू को और बीआईसी की वैल्यू को करवा रहा हूँ। सो दिस लाइन ऑफ कोड इज बेसिकली फॉर मॉडल वन, दैट इज दिस वन, कि इस मॉडल के हमने पैरामीटर की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया और एज वेल एज हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर एज वेल एज ए आई सी और बी आई सी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लिया। सेम इज केस फॉर मॉडल टू, सेम इज फॉर मॉडल थ्री, सेम इज फॉर मॉडल फोर, एंड वंस वी प्रिंट दैट नाउ वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट मॉडल। सो आपके पास किस मॉडल की जो है वो सबसे स्मॉल ए आई सी आ रही है, दैट इज मॉडल वन, सो दैट मीन एज वेल एज बी आई सी भी सबसे स्मॉल इसी की हमारे पास आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू ए आई सी एज वेल एज बी आई सी हमारे पास जो होल्ड्स आपके पास मॉडल आ रहा है दैट वन, के जब आपके पास होल्ड्स मिंटर मेथड विद एडिटिव ट्रेंड विद एडिटिव सीजनैलिटी, सो दैट मीन दिस मॉडल, ओके ये वाला जो सेकंड वाला मॉडल है दिस वन, दैट इज द बेस्ट मॉडल राइट नाउ फॉर दिस डेटा सेट हमारे पास, ओके। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, दिस कमांड इज सेम जो के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, अगेन मैं फिगर साइज डिटरमिन कर रहा हूँ और ग्रेडिंग कर रहा हूँ, एक्चुअल डाटा को प्लॉट कर रहा हूँ, मॉडल वन को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साथ में एट फ्यूचर
ईयर की डिमांड को फोरकास्ट करके लिख रहा हूँ. सो डॉट फोरकास्ट एज यू नो दैट द फंक्शन ऑफ फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन. ठीक है जी. और ये मेरे पास फिटेड वैल्यू की लाइन है. इसी तरीके से फोरकास्टेड वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, फिटेड वैल्यू फॉर मॉडल 2 फॉर मॉडल 3. ठीक है जी. एंड इन द एंड ऑफ द ग्राफ हम जो है वो ये लाइन प्रिंट करवा रहे हैं. और ये दिस इज लेजेंड कि ब्लैक जो है वो एक्चुअल डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड जो है वो आपके होल्ड्स विंटर मेथड विद व्हेन एडिटिव ट्रेंड एडिटिव सीजनैलिटी, ग्रीन कलर विद एडिटिव ट्रेंड विद मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी, और ब्लू कलर क्या कर रहे हैं विद एडिटिव ट्रेंड एडिटिव सीजनैलिटी बट विद डैम. ओके. सो हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू आर AIC मॉडल 1 इज द बेस्ट वन विच इज बेसिकली द रेड कलर. सो दैट मीन ये जो रेड कलर के आगे अंदर फ्यूचर फोरकास्टेड वैल्यू आई हुई है हम इनके ऊपर जो है वो रिलाय कर सकते. आई होप के आप लोगों को ये क्लियर है. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो. जी जी प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है. जी. सो इफ देयर इज एनीवन हैविंग अ क्वेश्चन प्लीज आप क्वेश्चन पोज कर सकते हैं. वैसे मैं देख रहा था कोई फेसबुक पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे जूम में, आई होप अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज पोज कर सकते हैं. जी फातिमा. आई होप कि ये बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो गया. नहीं 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 बिल्कुल नहीं. ओके. जी 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 बच्चे. मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जो फोरकास्टिंग की वैल्यूज निकाल रहे हैं उनको हम एक्चुअल डेटा के साथ कैसे कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम फोरकास्टिंग जो होती है वो पास्ट डेटा की बेस पे कर रहे होते हैं और हम उसको फिर एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करते हैं फोरकास्टिंग एक्यूरेसी देखने के लिए. जी बेटा, मैंने आपको बताया कि आई एम यूजिंग टू टर्म्स इवन पाइथन के अंदर भी अगर आप देखो. सो हम क्या कर रहे होते हैं, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ फिटेड वैल्यू की और एक में टर्म यूज कर रहा हूँ फोरकास्टिंग वैल्यू की. सो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो कि आप अपने एक्चुअल डेटा के ऊपर फिटेड वैल्यू को यूज करते हुए जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा. सो मैं उस मॉडल की सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहा हूँ वो AIC BICs को इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जिसकी AIC सबसे काम होगी मैं उस मॉडल को यूज करूंगा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू. ठीक है. सो उसको हम फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंगली फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेते हैं. और जाहिर बात है हम उस फ्यूचर के जब फोरकास्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्चुअल डेटा सेट नहीं है, तो वो हम उन्हीं के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं. ठीक है. और हम कह देते हैं कि ये जो मॉडल जो हमने कहा कि बेस्ट मॉडल है और इसके अकॉर्डिंगली जो फोरकास्ट आ रही है वी कैन रिलाय ऑन दोज वैल्यूज. ओके. लाइक वो इट कुड बी द डिमांड, इट कुड बी द सेल्स फोरकास्ट, व्हाटएवर. ठीक है. लेकिन एक और तरीकाकार भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम मेजर ऑफ एक्यूरेसी मेथड अडॉप्ट करते हैं. सो राइट नाउ मैंने उस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए मॉडल की सिलेक्शन नहीं की मैंने, बल्कि जो यूज किया वो AICs और BICs के जरिए बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किया. ठीक है. इज इट क्लियर या अभी भी कन्फ्यूजन है? यस सर, क्लियर. जी ठीक है सर. आई थिंक वी शुड कंटिन्यू. जी हेलो. जी सर, मैं कह रहा हूं कि आई थिंक वी शुड कंटिन्यू बिकॉज़ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. ओके ओके. अभी हमारे ये एक्सपेंशन स्मूथिंग मॉडल्स वाला तो टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं, बट पाइथन के अंदर जो है बेसिकली फेसबुक वालों ने जो है वो एक पैकेज प्रोवाइड किया हुआ है विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. सो ये जो प्रॉफिट पैकेज है विच इज वेरी गुड. सो ये क्या कहता है, ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द डेटा वेदर दे हैव द ट्रेंड वेदर दे हैव द सीजनैलिटी, सो ये बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है. मीन बहुत एक्यूरेट कंपैरेटिवली अभी तक जो मेरी एक्सपीरियंस के अंदर रहा है. सो मैं क्विकली अब ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि हम इस पैकेज को या इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके. सो सबसे पहले तो अगर हमने प्रॉफिट लाइब्रेरी को जो टाइम सीरीज को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करना है
तो हमें इस प्रॉफिट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया हमारे पास के आइदर वी कैन यूज पिप मैनेजर एज यू नो दैट हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस किया था, या आप कॉन्डा मैनेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं. और उसको इंस्टॉल करने का मैंने कोई तरीका भी बताया था कि हम क्या करेंगे, हम अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे आके जो है वो हम जो है वो मेंशन कर देंगे, सॉरी दैट इज वी शुड ओपन एनाकोंडा नॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है जी. सो इस प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे एंड आइदर आप ये पिप इंस्टॉल एफबी प्रॉफिट के जरिए इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या कोंडा इंस्टॉल माइनस सी कोंडा माइनस दिस एंड एफबी प्रॉफिट को यूज करते हुए इस पैकेज लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो. सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, तो इस वजह से जो है वो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. सो वंस के आपके पास ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम क्या करें कि हम इस प्रॉफिट लाइब्रेरी को कॉल करें. सो कॉल करने का तरीकेकार क्या, अगेन फ्रॉम फेसबुक प्रॉफिट इम्पोर्ट प्रॉफिट लाइब्रेरी, ओके. वंस वी कॉल इट, अब हम जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. और राइट नो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिटेल स्टोर का एक्चुअल सेल्स का डाटा अवेलेबल है और जो कि सी एस वी फाइल के अंदर मेरे पास सेव है, ठीक है. अगर मैं वो डाटा सेट आपको शो करवाऊँ, दैट इज बेसिकली मेरे पास सी एस वी फाइल के अंदर है. जस्ट सेकेंड, सो दिस इज बेसिकली अ डेटा सेट. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है और सेकेंड वो हमारे पास सेल्स को बेसिकली इंडिकेट कर रहा है. सो एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास बेसिकली ये डेली बेसिस का डेटा है, एवरी डे डे पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर सेल क्या आ रही है. सो उसका ये मेरे पास डेटा है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस डेटा फाइल को रीड कर रहा हूँ. सो रीड करने का कमांड हमने पढ़ा था कि पांडास को लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हम सी एस वी फाइल को रीड कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग डॉट पी जी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी एंड देन आप पाथ बता दोगे कि कहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है. सो और मैं इसको सेव कर रहा हूँ इन अ सेल्स वेरिएबल, ओके. सो वंस वी रीड इट एंड स्टोर इन अ सेल्स, सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन पांडास का फंक्शन यूज कर रहा हूँ डॉट एड, सो जिससे मैं अपनी फर्स्ट फाइव रोज का डाटा वैल्यूज देख सकता हूँ. एंड एज यू नो दैट डॉट टेल से हम लास्ट सिक्स जो है वो डाटा वैल्यूज देख सकते, सॉरी फाइव वैल्यूज को जो है वो देख सकते. अब मैं नेक्स्ट काम ये कर रहा हूँ कि मैं अपने बेसिकली जो है वो प्लॉट को, यानी कि एक्चुअल सेल्स डाटा को ड्रॉ कर. सो यहाँ पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फिगर साइज डिटरमिन कर रहे हैं और मैं एक नया स्टाइल बेसिकली यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज बेसिकली बैकग्राउंड स्टाइल विच इज अ जीजी प्लॉट स्टाइल. और मैं अब यहाँ पे सेल्स अंडरस्कोर सेट इंडेक्स, सेट इंडेक्स फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, दैट इज के एक्स एक्सिस को आपने इंडेक्स करना है जो कि डीएस कॉलम है. डीएस कॉलम के अंदर क्या है, दैट इज ईयर्स, आपके पास टाइम का डेटा है. डॉट वाई, वाई ये है जिसको हमने प्लॉट करना है ऑन अ वाई एक्सिस के अगेंस्ट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डॉट प्लॉट. सो वो हमें क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आ जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आपकी सेल्स आ जाएगी और उसको वो हमें प्लॉट कर रहा है. सो एज वी कैन सी दैट कि हमें लिटिल बिट सीजनैलिटी भी नजर आ रही है और हमें ट्रेंड भी नजर आ रहा है, बट वी डोंट नो इज इट अ इंक्रीजिंग लीनियर ट्रेंड है या एक्सपोनेंशियल है या डैम. सो बट प्रॉफिट जो पैकेज है फेसबुक का, ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो जो वो हमें बेस्ट फोरकास्ट प्रोवाइड कर देगा. सो अब प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हम अपने मॉडल जब फिट करना है तो उसको क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले हम कर रहे हैं जी प्रॉफिट फंक्शन को कॉल करें, प्रॉफिट इज इक्वल टू मॉडल, ओके. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट, क्योंकि आपके पास जैसे ही आपने ये वाली कमांड लिखी तो आपने बेसिकली प्रॉफिट फंक्शन को कॉल करते हुए आपने उसके बेस्ट फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई कर दिया, वट एवर दे हैव सिलेक्टेड द मॉडल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी मॉडल डॉट फिट सेल्स. सो इस मॉडल को वो फिट कर दे किसके ऊपर, इस डेटा सेट के ऊपर जो कि मेरे पास इस सेल्स वेरिएबल के अंदर सेव है, ओके.
सो हमने वो फिट कर दिया। सो जैसे मैं फिट कर रहा हूँ तो वो मुझे देखें यहाँ पे ना दो वार्निंग मैसेज दे रहा है। वो वार्निंग मैसेज क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि डिसेबल वीकली सीजनैलिटी और डिसेबलिंग डेली सीजनैलिटी। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो डेटा सेट है वो मंथली डेटा सेट, ठीक है। सो अगर ये मंथली डेटा सेट है तो दैट्स वाई वो हमें ये वार्निंग मैसेज दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो वार्निंग मैसेज ना दे तो इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर वी शुड राइट डाउन वीकली अंडरस्कोर सीजनैलिटी इज इक्वल टू ट्रू एंड डेली अंडरस्कोर सीजनैलिटी इज इक्वल टू ट्रू डॉट फिट सेल्स, ठीक है जी। सो अब इस कमांड के जरिए हमने अगेन अपने प्रॉपर प्रॉफिट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए, पैकेज को इस्तेमाल करते हुए सेल्स डाटा को फोरकास्ट कर लिया और वो हमारे पास सेव है, जो बेस्ट मॉडल उसने अप्लाई किया इन मॉडल वेरिएबल। अब मुझे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। सो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर वेरिएबल के अंदर फ्यूचर प्रेडिक्शन को मैं जो है वो सेव कर रहा हूँ विद द नेम, जिस वेरिएबल के अंदर वो मॉडल है, मॉडल डॉट मेक अंडरस्कोर फ्यूचर अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ओके, फॉर फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए। कितने टाइम पीरियड की आप प्रोडिक्शन करना चाह रहे हो, सो मैं नेक्स्ट 24 मंथ्स की प्रोडिक्शन करना चाह रहा हूँ, ओके, क्योंकि मंथली डेटा, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन फ्रीक्वेंसी आगे एम, एम स्टैंड्स फॉर मंथली, ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे, अगर मैं ये डॉट टेल नहीं लिखूंगा, सिंपल फ्यूचर लिख के रन करूंगा तो ये मुझे 24 वैल्यूज फ्यूचर की प्रोडिक्टेड दिखाएगा। राइट नो डॉट टेल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लास्ट 5 वैल्यूज जो है वो देख रहा हूँ, जो मेरी फ्यूचर की प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने उस जो फ्यूचर की वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिंपल फ्यूचर को कर रहे हैं तो वो मुझे वो वाई की वैल्यूज नहीं शो कर रहा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम शो कर रहा है। मुझे तो एक्चुअली वाई की वैल्यूज चाहिए, तो उन वाई की वैल्यूज को लाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे जी, मॉडल। सो बेसिकली ये जो कमांड है ये फ्यूचर 24 मंथ्स का टाइम पीरियड जनरेट कर, सो वाई की वैल्यूज को लाने के लिए हम क्या कर देंगे, मॉडल, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली जो हमने मॉडल अप्लाई किया था, डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन, ओके। और प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर हम फ्यूचर वेरिएबल की वैल्यू को रख देंगे कि जो हमने टाइम पीरियड बताया हुआ, कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली आपके पास वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या आई, ठीक है। सो दैट इज फ्यूचर, और उसको मैंने एक फोरकास्ट वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। सो दिस इज, जैसे ही आप ये वाली कमांड रन करोगे तो अब वो आपको क्या करेगा, वो आपको आपका टाइम पीरियड भी शो कर रहा होगा, आपके ट्रेंड की वैल्यू की भी शो कर रहा होगा, मीन आपकी फिटेड वैल्यू भी दिखा रहा होगा, और एज वेल एज प्रॉफिट फंक्शन आपको उस फिटेड वैल्यू के अगेंस्ट प्रेडिक्टेड इंटरवल भी शो कर रहा होगा, जिसको आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कह सकते हो। अदरवाइज प्रेडिक्टेड इंटरवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल, बहरहाल वो आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर वैल्यू के जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई हैं उसके दरमियान वो 95% कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बी हाईलाइटेड एरिया करके दिखा रहा होगा कि आपकी फ्यूचर वैल्यू इस रेंज के अंदर ही लाई कर रही। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को फोरकास्ट डॉट टेल जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे लास्ट 6 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड शो कर रहा है, की वैल्यू को शो कर रहा है, वाई है दैट इज बेसिकली द लोअर कॉन्फिडेंस वैल्यू, दिस इज अपर, दिस इज कि इस ट्रेंड की वैल्यू को बेसिकली वो फर्दर वो डिवाइड कर रहा है कि ट्रेंड की लोअर क्या है, ट्रेंड का अपर कॉन्फिडेंस क्या है, एडिटिव टर्म। ओके, रिमेम्बर हमने कहा था कि आपके पास क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एडिटिव हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि ये एडिटिव बेसिकली इस मॉडल के या इस डेटा सेट के ऊपर बेस्ट फिट आई है, तो इसलिए उसने उसको एडिटिव टर्म की वैल्यू क्या आ रही है और आपके पास उसका लोअर कॉन्फिडेंस और अपर क्या आ रहा है, इसी तरीके से वो हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस इंटायर इंफॉर्मेशन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दैट इज डीएस विच इज द टाइम पीरियड फ्यूचर का, वाई हैट दैट इज द फ्यूचर प्रेडिक्टेड वैल्यू, ओके, विच इज हमें नजर आ रही है वाई हैट इज दैट इज दिस वन, ओके। सो हमारे पास फ्यूचर वाई हैट की वैल्यू क्या है, एंड वाई हैट लोअर कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या है, एंड देन वाई हैट अपर कॉन्फिडेंस क्या है। सो दीज आर द मेन
थिंग जो कि हमें चाहिए कि मुझे फ्यूचर प्रेडिक्टेड वैल्यू चाहिए, इसकी लोअर कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू क्या है, इसकी अपर कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू क्या है, और डॉट टेल फंक्शन के जरिए मैं लास्ट 5 डाटा वैल्यूज को जो है वो दे, और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। प्लॉट करने के लिए हमने क्या कर लिया, मॉडल जिसके अंदर हमने अपना मॉडल फिट करके सेव किया था, दैट इज मॉडल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्लॉट, प्लॉट किसको करो, फोरकास्ट को, जिसके अंदर हमने इस वेरिएबल के अंदर अपनी फोरकास्टेड वैल्यू को सेव किया हुआ। ओके, सो जैसे हम प्लॉट करते हैं तो आपके पास वो यहाँ पे इनिशियली अप टिल दिस तक, जहां तक हमें ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, तो वो हमें क्या दिखा रहा है, फिटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल डेटा वैल्यूज। ठीक है, सो डॉट ब्लैक डॉट्स आपको एक्चुअल डेटा वैल्यूज नजर आ रही है, जबकि जो ब्लू लाइंस हमें नजर आ रही है ये आपके फिटेड वैल्यूज नजर आ रही है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं ये हमें क्या नजर आ रहे हैं, ये हमें दिस वन, कि हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन नजर आ रही है कि आपके पास फ्यूचर प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग भी कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यूज क्या है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि हमने प्रॉफिट लाइब्रेरी को यूज करते हुए किस तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर। सो थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी अजय, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दिस टाइम ऑब्वियसली मेरा ख्याल है बिल्कुल, ख़ास करके जो फेसबुक वाला जो प्रॉफिट लाइब्रेरी आपने दिखाई है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, यानी बाकी लोग भी ख़ास करके जो CS के बैकग्राउंड के हैं या जो और मॉडल्स पर काम करते हैं उनके लिए भी बड़ा ये इंफॉर्मेटिव होगा। राइट, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन from the participants, so please, आप आज हमारे पास sufficient time है, we have like 15 minutes, क्योंकि हमने 8 to 10 रखा हुआ था, तो we have 15 minutes के आप discuss कर सकते हैं, कोई भी आपको confusion है। In the meantime, I'll also just check के Facebook पे भी if we have any question. बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं भी देख रहा था कि वी स्टार्टेड ऑफ इन जून, पहला जो सेशन था मतलब इट वाज एट 22 जून में था, व्हिच वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन, एंड इट्स लाइक अगस्त नाउ, सो वी हैव लाइक टेकन टू मंथ्स ऑलमोस्ट, जिसमें ये चार सेशंस लगे हैं, एंड दीज आर लाइक पावर पैक्स, यानी immediately from introduction we went on to a basic hands-on training, then we went to a very interesting though deep and complex that supply chain session, and then to this very interesting time series forecast which is for across the discipline. So it's like a power pack ban gaya char sessions ka, aur jo hamare participants hain bil khusus khaas karke jis tarah Fatima jinhone पहले सेशन से लेके लास्ट सेशन तक हमारे साथ रही हैं, हुज़ैफा आई बिलीव सेकंड सेशन से शायद इन्होंने ज्वाइन किया था, और रिमशा भी, इन सबको हम लोगों ने स्पेसिफिकली बड़ा स्पेशल सर्टिफिकेट है जो इन सबको मिलेगा फॉर पार्टिसिपेशन। आपके लिए भी सर एक छोटा सा हम सुविनेर जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपको हम इस सारी सीरीज की के लिए हम आपको देंगे, और बल्कि आप अपनी ना स्क्रीन शेयर अगर क्लोज कर दें तो मैं एक्चुअली यूट्यूब चैनल भी शेयर करना चाह रहा हूँ। हुज़ैफा एक्चुअली 4 सेशंस थे, पहला इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो लोगों को ना थोड़ी सी ये भी कंफ्यूजन हो रही है कि शायद सिर्फ 3 सेशंस थे, टोटल 4 सेशन आएंगे, तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि आई वॉन्ट कि एवरीबडी शुड नो दिस। So this is the YouTube channel of Dr. Hakeem, or isme you can find all of these very interesting lectures and topics, yani ke pura coursework aap
समझें कि पूरा कोर्स वर्क है ये सारे इनसे रिलेटेड ना, यानी यू हैव यू कैन फाइंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यू कैन फाइंड क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन सिक्स सिग्मा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स यूजिंग आर स्टूडियो, एंड आई थिंक दिस वन इज द कोर्स जो हम कर रहे थे, बिग डेटा मशीन लर्निंग एंड यूजिंग पाइथन. सो इसमें आई थिंक सो के डॉक्टर साहब और भी लेक्चर्स इसी सीरीज के अंदर आप ऐड करते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर ही. जी एग्जैक्टली इंशाल्लाह. जी तो ये मतलब मैंने कहा कि मैं सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स से बिलखसूस जो फेसबुक ऑडियंस है उन सबके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि आपका चैनल जो है ये वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट है सारा, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें एंड बी अ पार्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट. साथ ही साथ ये हमारी सोसाइटी का चैनल है, PSI का यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोगों ने अभी तक जो सीरीज स्टार्ट की थी रोड टू इंडस्ट्री 4.0 की, उसमें हमारे जो कुछ सेशंस हुए थे ये उनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, प्लस ये है वाला जो पावर पैक जिसको मैं कह रहा हूँ, ये 3-4 लेक्चर्स का ये पावर पैक है, और इसके अलावा ये डॉक्टर वॉटसन के साथ सेशन है, फिर हमारे कुछ और भी कोर्सेज और इवन डॉक्टर साहब के ही कुछ कोर्सेज की प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, और फिर ये कुछ हमारे और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह PLC के ऊपर कोर्स है कराची के माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग का, वो भी हमारे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है. तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस कम्युनिटी कि जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को खास करके जितना भी कंटेंट या नॉलेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक जगह पे हम इकट्ठा कर सकें. और साथ ही मैं हमारी वेबसाइट भी फौरन विजिट करवा देता हूँ कि अगर किसी को अभी तक नहीं पता हमारी वेबसाइट का, तो इट्स psi.org.pk, और यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस वेबसाइट सच दैट कि आप इस पर लॉग इन करें तो आपको इस वेबसाइट के जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं वो आप एक्सेस कर सकेंगे आफ्टर सम टाइम. मिसाल के तौर पे जो ट्रेनिंग्स के हमारे सेशंस होंगे वो फिर कुछ मेंबर्स ओनली ट्रेनिंग सेशन हैं, और फिर हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, और कुछ ऑन ग्राउंड कॉन्फ्रेंसेस भी होपफुली इंशाल्लाह जैसे ही हम ये कोविड के सिनारियों से निकलते हैं तो हम ये कॉन्फ्रेंसेस को ऑन ग्राउंड भी हम ट्रेनिंग्स को लेके जाएं. फिर एक कम्युनिटी हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट चैप्टर्स हों, एक पूरी एक डायरेक्टरी हो कि जहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स लिंक्ड अप हो, एक फॉरम बिल्ड कर रहे हैं कि जहाँ पे आप जितने भी हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं और जो भी किस्म के इश्यूज फेस कर रहे हैं, उसमें कैरियर वाइज भी हो सकता है, उसमें इंडस्ट्री वाइज भी हो सकता है, उसमें रिसर्च वाइज भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे आप अपनी जो डिस्कशंस हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इन इन फॉरम्स के ऊपर. इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी हमारी वेब के ऊपर. तो अगर कल को किसी कोई नया यंग इंजीनियर आता है, कोई स्टूडेंट आता है और उसको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, वो जस्ट गूगल पे जाके सर्च करे, उसको ये कम्युनिटी वहाँ मिल जाएगी क्योंकि इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे सर्च के लिए. तो इन्फॉर्मेशन फेच करना, सर्च करना एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एक ग्रेजुएट के लिए, स्टूडेंट के लिए वो ईजी होता जाएगा और एक सेंट्रल प्लेस होगी कि जहाँ पे हम इन चीज़ों को कंबाइन कर सकेंगे. फिर एक कैरियर सेंटर पे हम काम कर रहे हैं, यानी इसमें हम एक जिस तरह जॉब पोर्टल्स होते हैं ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स और ऑपरेशंस रिसर्च के जो लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, फिर क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये पूरा कैरियर सेंटर हम जो है इसको यहाँ पे पोर्टल बना देंगे. अभी फिल वक्त जो है ये हमारा वॉलंटियर यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है. हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की पोजिशन अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म फिल करें और आप हमारे साथ हमारी टीम्स में हमारी शामिल हो सकते हैं, एंड इट कैन हेल्प यू ग्रूम पर्सनली प्रोफेशनली और यू नो आप अपनी CV बिल्ड कर सकते हैं. तो ये कुछ मैंने कहा कि लास्ट में हम अपनी सोसाइटी के वाले से भी सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लें, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू डॉक्टर हकीम्स चैनल, और जितना भी इनका कॉन्टेंट है इससे आप सब लोग फ़ायदा उठाएँ, इसको शेयर करें. It's very useful and very knowledgeable. So, any questions up till so far? If there is any question, please do write down in the chat. We still have about 5 minutes.
तो डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका भी, और वैसे आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक इस सारी आपकी जो जर्नी है राइट फ्रॉम योर पीएचडी टिल टुडे, हाउ हैज इट बीन? पीएचडी क्वाइट टफ, बल्कि एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने ड्यूरिंग पीएचडी बहुत कुछ लर्न किया, स्पेशली न्यू जो सॉफ्टवेयर्स या लाइब्रेरीज जो थी, क्योंकि पाइथन, आर और सी प्लेक्स वगैरह ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे मैंने ड्यूरिंग पीएचडी ही सीखे अपने। और लकीली मुझे ड्यूरिंग पीएचडी वही 2 से 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का भी मौका मिला, तो उसमें भी मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा टूवर्ड्स एआई और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मेजर है वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है, ऑपरेशन रिसर्च है। तो इवन जो ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन रिसर्च के लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स मशीन लर्निंग, क्योंकि अभी अगर आपने शायद आपकी नजर से गुजरा हो, एमआईटी ने ये कोई 2-3 साल पहले डिग्री लॉन्च की है, दैट इज बेसिकली एनालिटिक्स के अंदर, और वो ऑपरेशन रिसर्च सेंटर ने जो है वो लॉन्च किया, और उसका नाम वो बिजनेस एनालिटिक्स रख रहे हैं मास्टर्स में, और वो बेसिकली उसमें फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेडिक्टिव, सो दे आर नॉट डिस्कसिंग डिस्क्रिप्टिव, और वो क्योंकि उसको बिल्कुल सिंपल में ले लेते हैं, तो मास्टर्स प्रोग्राम में दे स्टार्टेड फ्रॉम प्रेडिक्टिव एंड दे मूव टू प्रिस्क्रिप्टिव। उनके जितने भी कोर्सेज हैं वो ज्यादातर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के ऊपर है। तो अब ज्यादातर जो जंक है, इवन जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्पेशली जो ऑप्टिमाइजेशन साइड के ऊपर लोग काम कर रहे हैं वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। और जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये लगा कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लोग आ रहे हैं, लाइक इवन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लोग हैं हमने देखे, डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, बिजनेस बैकग्राउंड लोग जो है वो, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के लोग वो इस साइड की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल सो बहरहाल फ्यूचर जो है दैट इज ऑल इन ऑल एआई और मशीन लर्निंग, एटलीस्ट जो अगले 5-10 साल नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, और बिल्कुल सही बात है कि जो क्रॉस डिसिप्लिनरी, इवन के मतलब मैंने बेसिक साइंसेस से भी बहुत से लोगों को देखा है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, जो एग्जैक्टली कि इन सारे एग्जैक्टली मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं और उनके इन अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी थियोरेटिकल फिजिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो जिस तरह सर्न है, जैसे वहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेटर है और वहाँ पे भी ये सारे टूल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और बिल्कुल, इवन ये बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिक्स के नाम से वहां पे हमारे डिपार्टमेंट होता था, सो वो भी ये ज्यादातर डेटा साइंस की ही टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे थे। सो लाइक जैसे स्पेशली वन ऑफ माय फ्रेंड, वो उसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी है, तो वो भी आर और पाइथन इस्तेमाल कर रहा था, तो जब स्टार्टिंग में मैंने उसको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा तुम बायो में होके ये चीजें कर रहे हो, तो वो कह रहे थे कि हम जीन्स को, बेसिकली जीन्स के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। सो ये तकरीबन मर्ज करी ऑलमोस्ट एवरी फील्ड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी जो मेरे एमफिल में मेरे मेरा कंप्यूटर साइंस में था एमफिल, तो उसमें मेरे साथ एक स्टूडेंट था, वो जो मेरा क्लास फेलो था, उसने जीन्स के ऊपर ही और डीएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है उसके ऊपर उसने काम किया था। एग्जैक्टली सो आई एग्जैक्टली वाज वेरी उसका भी लाइक यही काम था उसका। एस्टोनिश्ड के, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार तुम मतलब सीएस में और तुम डीएनए, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो ही वाज लाइक नहीं, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, और उसने बड़ा जबरदस्त उसके अंदर उसने काम किया। और इसी तरह ही जिस तरह हम ये बल्कि मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्ट जी जी मैं कह रहा था कि मैं बल्कि आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सन की स्टोरी शेयर करता हूँ। थ्रू आउट कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, इवन पीएचडी कंप्यूटर साइंस, सर हम बट कैमरा पे आ उसने सकते हैं? पोस्ट डॉक जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया। मैं कह रहा हूँ सर हम इस वक्त मैं मेरे पास जो लैपटॉप में यूज कर ओके 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 जी एक्चुअली, तो उसमें जो है वो उसकी जो पोस्ट डॉक था दैट वाज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सो थ्रू आउट बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस बट ही इज डूइंग द पोस्ट डॉक इन
बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और वो कह रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ यही है ना कि डेटा मैं जीन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी तो चीजें वही हैं जो हमने कंप्यूटर साइंस में पढ़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह ही मेरा ख्याल है ये जो हमारे इंडस्ट्रियल में भी और बिजनेस स्टडीज़ में भी, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का जहाँ पे भी नाम आता है, काम आता है, वहाँ पे ये सारा कुछ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। प्लस जो जिस तरह लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे IoTs के अंदर, कि जितनी हाइपर कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती जा रही है, उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो आपकी ओवरऑल जो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने सिस्टम को, वो आपको और हेल्प करेगा उस चीज़ को बेहतर ऑप्टिमाइज करने में। आपके पास ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, आप ज़्यादा डेटा को कवर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स जनरेट कराने के लिए। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। चलें ठीक है, आई थिंक इट्स 10 नाउ, 10 PM। सो स्टिल मैं लास्ट में अगेन दोबारा पूछना चाहूंगा, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, तो दिस इज द टाइम। I would say के specially time series forecasting के अंदर, क्योंकि multiple courses भी मैंने देखे हैं, तो उसमें ये intermittent demand forecasting और hierarchical demand forecasting नहीं पढ़ाई जाती। जबकि practical मेरे experience में ये है कि specially intermittent demand जो है, जिसमें sometimes demand zero हो जाती है और sometimes peak आ जाती है, specially in retail industry, क्योंकि हमारे पास retail industry काफी ज्यादा है, तो उनकी जो टाइम सीरीज होती है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस इंटरमिटेंट डिमांड होती है। सो आई वुड से कि जो लोग इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड है वो उसके मेथड जरूर जाकर डिस्कस करें और जरूर उसको रीड आउट भी करें, तो उसके भी पाइथन के अंदर भी और इवन आर के अंदर, अगर कोई आर यूज कर रहा है तो उसके अंदर बहुत अच्छे पैकेजेस अवेलेबल है, और उसको इस्तेमाल करें और आप फोरकास्टिंग उनको उनके जरिए करें, क्योंकि इंटरमिटेंट डिमांड के लिए ये जो रेगुलर मेथड्स हैं जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के, या जैसे मैंने आपको जिक्र किया रीमा मेथड्स वगैरह, ये यूजफुल मेथड्स नहीं है, ये आपको एक्यूरेट फोरकास्ट नहीं प्रोवाइड करते। राइट right. और मेरा ख्याल है बल्कि ई कॉमर्स के अंदर जिस तरह आजकल बूम है, तो ई कॉमर्स तो बल्कि इस तरह सारे जो मॉडल्स हैं और जो आप ये बता रहे हैं इनको यूज करना चाहिए इनको अपनी डिमांड वगैरह प्रोजेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ नहीं इतना ट्रेंड अभी मैंने देखा, और टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्टिंगली अभी तक जो हम क्योंकि इवनिंग में हमारे पास यहाँ पे क्लासेस में एग्जेक्टिव्स की क्लासेस होती हैं, तो हम मेजॉरिटी जो मैनेजर से पूछ रहे होते हैं प्रॉब्लम, तो वो हमारे पास जो सबसे ज्यादा हाईलाइट प्रॉब्लम आ रहा है वो फोरकास्टिंग का ही आ रहा है, कि जी डिमांड या सेल्स को हम प्रॉपर फोरकास्ट नहीं कर पा रहे, और ज्यादातर इवन रिटेल रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज्यादा मेन इशू है। राइट राइट ठीक, चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर योर शेयरिंग योर दिस सच वैल्यूएबल नॉलेज विद अस, और इंशाल्लाह विल कीप इन टच, और कोई और क्वेश्चंस हुए तो आपको वी विल डेफिनेटली लेट यू नो, और इंशाल्लाह देखते हैं कि हम आगे कोई और एक इंटरेस्टिंग सीरीज किसी वक्त हम किसी और अच्छी और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ भी हम आपके साथ इंगेज हो सकें। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच एवरीवन, और इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन विद अनदर सेशन वेरी सून। थैंक यू सो मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।